ओए माइकल सुन, वॉर के लिए रेडी हो जा, आज तेरी मौत मेरे हाथों होगी। वॉर के लिए मैं तो हमेशा रेडी रहता हूँ। पिछले बारी तू मेरे हाथ से बच गया, उस टॉमी के बच्चे ने तेरी जान बचा ली। अच्छा मैं बच गया, भूल गया तेरे से 1v1 किया था, तेरा क्या हाल किया था मैंने। अच्छा बेटे आज पता चल जाएगा मार्टिन क्या चीज है। हे गाइस, वेलकम है सभी का GTA 5 के एक नए एपिसोड में। तो आज का एपिसोड यार बहुत खतरनाक होने वाला है, एंड बहुत खतरनाक वाली फाइट भी हुई इस वाले एपिसोड में। तो इस वीडियो का लाइक टारगेट है 1.5 के लाइक्स, और पूरी वीडियो देखना एंड ओपी वाली स्टोरी लाइन होने वाली है। सो गाइस, यहाँ पर ना सीन ऐसा है, यहाँ पर हमारे जितने भी सिक्योरिटी है, निंजा, मॉन्स्टर, NSG और AI सिक्योरिटी, ये सब लोग मेरे को देखने के लिए आए, क्योंकि भाई कल ना मुझे किडनैप कर लिया था, मतलब ट्रैप कर लिया था मार्टिन के बच्चे ने। क्योंकि आपको याद है कल मैं जब जा रहा था रास्ते में से, जब हमने बढ़िया वाले मिशन किए, वहां पर ना हमको किसी ने रोकाया एंड कहा कि देखो उधर जाओ। फिर जैसे वहां पर जाता हूँ ना, फिर मार्टिन मेरे को पीछे से स्टन गन से मतलब स्टन कर देता है। फिर गाइस वहां पर ना वो मुझे गाइस पकड़ के ले जाता है YCT, एंड गाइस YCT में हमको डगन बॉस दिख जाता है, और डगन बॉस मतलब मार्टिन और डगन बॉस फ्रेंड ही होते हैं। एंड फिर वो ना मेरे को भाई ज़्यादा ही टॉर्चर करते हैं, इतना टॉर्चर करते हैं ना भाई, खतरनाक वाला। फिर गाइस मेरे को कोई बचाने के लिए आता है, उसका नाम होता है टॉमी वर्सिटी। फिर वो ना भाई सारे की सारी उसकी सिक्योरिटी को मार देता है एंड सबको भगा देता है। फिर गाइस क्या गाइस, हम लोग फिर टॉमी के साथ जाते हैं एंड उसकी जो गैंग होती है ना, वो गैंग हम लोग ज्वाइन करते हैं। एंड वो कहता है कि देखो मार्टिन भी हमारा दुश्मन है एंड तुम भी उसके दुश्मन हो, तो हम लोग दोनों मिल के काम करते हैं। फिर गाइस उसके मैं ना गैंग में ज्वाइन कर लेता हूँ। फिर गाइस हम लोग को वो कहता है कि आज ना सारा का सारा हम लोग प्लान किया है उसको कैसे मारना है, क्या करना है, तो हम लोग आज मिलके उसको मारने का प्लान बनाए। सो गाइस चलो आगे ना हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर ना अभी सीन ऐसा है गाइस, देख रहे हो मेरा फ़ोन उसी के पास है, जब उसने मुझे ट्रैप किया था मेरा फ़ोन भी उसी के पास था। एंड आपको पता है जो मेरी AI सिक्योरिटी है, ना भाई साहब, उसमें मेरा सब कुछ था, मतलब कमांड जो होता है वगैरह वगैरह हर चीज़ उसी में होती है, समझ रहे हो, मतलब मेरा जो AI रोबोट है सब कुछ उसी से हैंडल होता है, तो मैं कुछ कर ही नहीं सकता। तो इसलिए मैंने ये वाला AI का जो सिक्योरिटी है ना उसको डीएक्टिवेट कर लिया हैकर की मदद से, वरना गाइस आज तो मेरी मौत तय थी। क्योंकि ना भाई सारा का सारा भाई कंट्रोल उसी के अंदर है भाई, मतलब मैं कुछ नहीं कर सकता। अभी ये AI सिक्योरिटी यहाँ पर इतना बड़ा रोबोट है ना भाई, एक जगह ही खड़े रहेंगे, तो अब हम लोग कोई बात नहीं, उसका भी हम लोग सॉल्यूशन करने वाले हैं अभी ना। इसने कहा कि इसके एक फ्रेंड है वो जो कि बड़ी वाली हैकर है, वो खुद इधर आएंगी एंड सारा का सारा ना इसको भाई एक्टिवेट करेंगे हम लोग, फिर से इसको कमांड कर पाएंगे, पता नहीं हो पाएगा कि नहीं। तो आज हमको जाना है हमारे गाइस खतरनाक वाले काम करने, बहुत बड़े बड़े वाले काम करने। सो ये देख रहे रोबोट है ना भाई, बिल्कुल ही मतलब गाइस काम ही नहीं कर रहा है, देख रहे हो, मतलब कुछ भी काम नहीं कर रहा है भाई साहब, क्या ही मतलब ऐसा है ना जैसे कुछ है नहीं भाई, कमांड दे नहीं पाएंगे इसको, वरना ये होता ना भाई तो मार्टिन की मैं चटनी बचाता। आपको पता है कितनी पावरफुल AI सिक्योरिटी भाई, इतनी पावरफुल है ना भाई, मतलब 200 SPG हो या 400 भाई सबको एक सेकंड में नीचे गिरा देती है। आपने अगर पिछला एपिसोड देखा होगा तो आपको याद होगा भाई कितनी खतरनाक वाली सिक्योरिटी है। सो गाइस कोई बात नहीं, इसको भी हम लोग ना जल्द से जल्द ठीक करवाएंगे,
और आगे जाके हमें पता चलेगा इसकी पावर क्या है, फिर मार्टिन को दिखाएंगे। वैसे उसका फ़ोन ना मेरे उसी के पास है, बट कोई ना, वो भी हम लोग जाके ले लेंगे। तो फटाफट से हम लोग को भी गाइस निकलना है हमारे गाइस गैंग लीडर के पास, मतलब गैंग ऐसे ही ज्वाइन किया हूँ मैं, क्योंकि ना देखो मिल के काम करेंगे ना तो जल्दी अपने दुश्मन को मार पाएंगे, अगर हम लोग अकेले काम करेंगे तो हम लोग थोड़ा वीकनेस हो जाएंगी। तो यार ये देख रहा हूँ, मतलब ये सब मेरे को मिलने के लिए आया, मतलब इनको लगा कि भाई मैं मर तो नहीं गया हूँ ना यार, मैं जिंदा हूँ। बट चलो यार, इनको पता नहीं था मैं किडनैप हो चुका हूँ, ट्रैप हो चुका हूँ, तो इनकी भी क्या गलती है, मैं खुद अकेला निकल गया था। तो अपने को ना अभी हमारी सारी सिक्योरिटी लेके जानी पड़ेगी, मतलब जाना पड़ेगा, क्योंकि अभी अकेले हम जा रहे हैं ना, हमारे पास अभी ज़्यादा ही दुश्मन का भाई ये हो रहा है। तो आज हमको मॉन्स्टर सिक्योरिटी यूज़ करनी है, हमने रोज़ NSG और हमारी KSPG और गाइस निंजा सिक्योरिटी बहुत यूज़ कर ली है, और AI वाली भी। तो अभी तक मैंने मॉन्स्टर सिक्योरिटी इतनी ज़्यादा यूज़ नहीं की है, बस एक बार यूज़ किया था। तो अब मैंने इनको बोला है कि भाई देखो, अब तुम्हारा काम आ चुका है, अब तुमको अपना जलवा दिखाना है, क्योंकि इनका जो पावर है ना भाई, इतना ख़तरनाक है, ये बहुत ख़तरनाक वाली सिक्योरिटी है। लिबर्टी सिटी से मैंने मंगवाई थी। सो गाइस अभी आज ना इनका पावर हम लोग देखेंगे, पता नहीं आइस ख़तरनाक वाला काम करने वाली है मॉन्स्टर सिक्योरिटी। और NSG को थोड़ा आराम देते गए, NSG के भी हमारे बहुत बंदे मारे जा चुके हैं पिछले एपिसोड में, मतलब ख़तरनाक वाले। SPG वर्सेस NSG जब हुआ था ना, तो गाइस हमारे बहुत सारे उसमें कुछ लोग मरे थे NSG के, तो कोई बात नहीं, उनको भी थोड़ा आराम देते हैं, वरना डेली ना NSG को लेके घूम रहे ना यार, तो भाई थोड़ा वीकनेस हो जाएंगी, तो कोई बात नहीं। तो आज फटाफट से हम लोग गैंग लीडर के पास जाते हैं, और देख रहे हो ये फुल रेडी बैठे हैं, मतलब इनको लग रहा है कि आज भी मैं इनके साथ जाने वाला हूँ, तो कोई बात नहीं। एंड वीडियो को पूरा देखना गाइस, एंड आज का वीडियो बहुत धमाकेदार होने वाला है, बहुत ही धमाकेदार गाइस, इतना धमाकेदार ना भाई, ख़तरनाक वाली फाइट होने वाली है। तो पूरा वीडियो भाई देखना, स्किप मत करना, एंड वीडियो को लाइक टारगेट पूरा का पूरा कंप्लीट करवाना, और भाई सब लोग कमेंट करना चेक पॉइंट्स, जो भी बंदा चेक पॉइंट्स कमेंट करेगा भाई उसको शॉर्ट आउट ज़रूर देने वाले। सो ये रहा हमारा शोरूम। सो अभी हमारे शोरूम में गाइस आज कौन कौन से कार है, मतलब कार तो वही है, आज मैंने भाई सारी कार तो चला ली है भाई। सीविक नहीं चलाई क्या, पता नहीं, सीविक मैंने चलाई है, और ये रेंज ओवर भी चलाई है, एंड अपनी ये GT भाई, GT को भी मैंने चलाया आई थिंक, और ये भी चलाया हूँ। बस आज मैं कौन सी कार चलाऊँ, एंड ये तो डिफेंडर है, ये तो मैं रोज़ चलाता हूँ। रोल्स रॉयस भी मैंने चलाई थी, एंड भाई थार भी मैंने चला ली है, एक सेकंड अपनी ठीक है ये चला लेता हूँ भाई, फॉर्च्यूनर। तो भाई बहुत दिनों से अपन ने ये वाली कार ना नहीं चलाई, तो भाई देखते आज ये कैसी चलती है भाई साहब, मतलब जब से इसको परचेस किया ना भाई, बहुत कम ही चलाया, मतलब एक ही बार चलाई होगी। सो गाइस अपने को अपने शोरूम में भी फॉर्च्यूनर ऐड करनी है, तो कोई बात नहीं, इसको भी ऐड कर देंगे, क्योंकि इंडियन कार है भाई, ख़तरनाक वाली, देख रहे हो क्या स्पीड पकड़ती है भाई। अपने मॉन्स्टर सिक्योरिटी रेडी है क्या भाई, कौन आ रहा है अपने साथ में, अच्छा ये नहीं आ रहा है क्या, दूसरे आ रहे हैं, चलो गाइस इनको बिठा देते हैं यार, फटाफट से बैठ जाओ। और अपने को गैंग के पास जाना है, और पता नहीं क्या है उसने मिशन बनाया गाइस, उसने ना बहुत ज़्यादा ही बड़ा बड़े बड़े प्लान किए, और वहाँ पर टॉमी वर्सिटी भी आया है भाई खुद YCT से, मतलब वैसे हम ये दोनों तो YCT से, बट इन लोग ने ना एक बेस खरीदा है यहाँ पर, मतलब एक मैंशन खरीदा है, ठीक है ना, तो भाई कोई बात नहीं, क्योंकि कल हमने इनसे डील करवाई थी, आपको याद ही है, लगता है ज़्यादा पैसा आ गया ना, ये लॉस सैंटोस में भी आ चुके हैं, कोई बात नहीं, अच्छी बात है, अपने सारे दुश्मन को हम लोग पेल देंगे। तो फटाफट से ना मिलते आपको गैंग के बेस में। ऑल राइट गाइस, फाइनली हम लोग आ चुके हैं गैंग के बेस पर, और इन्होंने ये नया वाला मैंशन खरीदा है, जो कि ओह भाई साहब इतने ज़्यादा गाइस यहाँ पे कार्स देख रहे हो भाई साहब, सारे के सारे एक जैसे, और गाइस ये होती ना गैंग वाली फीलिंग, मतलब गजब है गाइस, देख रहे हो सारे के सारे एक जैसे कार से, मतलब अमेजिंग। और ये गोल्डन कार क्या कर रही है भाई, यहाँ पर देख रहे हो टॉम वर्सिटी भी, और गाइस जो गैंग के लीडर है ना वो भी यहाँ पर ही है, पता नहीं गाइस उसने क्या क्या प्लान बनाया, मुझे नहीं पता। सो चलो एक सेकंड में यहाँ पे ना अपनी फॉर्च्यूनर को पार कर लूँ इधर, एंड चलो भाई भाई क्या ही लगे पार्किंग में, देख रहे हो ना कार्स भाई इनके, और एक हेलीकॉप्टर भी खड़ा है, और इससे ना सारा का सारा प्लान पूछते भाई क्या सीन है भाई, बढ़िया है कि नहीं भाई। इनको मैं बोलता तुम लोग यहाँ पे रुको, क्योंकि ना जो गैंग के लीडर है भाई कुछ ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, आपको पता है कल के वीडियो में भाई इसने दो बंदों को मार दिया ऐसे ही, मतलब ऐसे ही हंसते हंसते दो बंदों पे गोली चला ली। तो गाइस इसको मैं बोलता हूँ कि देखो यार मैं आ चुका हूँ, एंड यहाँ पे टॉमी वर्सिटी भी आया हुआ है, तो इसको भाई पूछता हूँ भाई प्लान वगैरह क्या है क्या नहीं है। सो गाइस प्लान गाइस ये पता चल चुका है मुझे, तो प्लान ये गाइस सबसे पहले ना ये कह रहा है कि देखो हमें ना गाइस कुछ नहीं करना है,
भाई मार्टिन को वीकनेस करना है, मतलब जो भी मार्टिन का बिजनेस है ना, जो भी मार्टिन का बिजनेस है सोना है भाई, उसको पहले सब कुछ हमको लूटना है। उसकी लोकेशन उसने निकाल दिए, पता नहीं गाइस देख रहे हो मैप के अंदर सारे के सारे लोकेशन इसने दिए, इसका बनकर बहुत सारे बनकर हैं, तो सारे के सारे जो लोकेशन है ना भाई इसके पास आ चुकी है, क्योंकि ये बहुत दिन से इसको स्टडी कर रहा है। एंड दूसरा प्लान है उसके सारे बॉडीगार्ड्स को मारना, उसका ये सेकंड प्लान है। मतलब पहला बनकर लूटेंगे जो भी वगैरह है, और दूसरा गाइस उसके सारे सिक्योरिटी गार्ड्स को मारना, फिर जब तक वो वीक नहीं होता है, क्योंकि उसके पास इतना पैसा है ना आपको पता है, और ऊपर से डगन बॉस का सपोर्ट भी उसके पास है, तो उसको पहले वीक करना है हम लोग को, एंड हमको ना एक मजबूत पावरफुल टीम बनानी है। इसलिए उसने कह रहा है कि मैंने तुमको ज्वाइन करवाया, टॉमी को ज्वाइन करवाया, अभी बहुत सारे बड़े बड़े लोग हमारे टीम में आने वाले। और ये भी कह रहा था कि देखो उसके पास ना अभी बहुत बड़े बड़े कमांडोज भी आए हुए, मतलब उसने और एक नई सिक्योरिटी परचेज की है। यार गाइस ये बंदे के पास इतना पैसा आ गया ना, अभी वो बंदा गाइस ज़्यादा ही पावरफुल हो रहा है, उसके बिजनेस भी बहुत चल रहा है। एंड गाइस कोई बात नहीं, अभी हमारे टीम में ये कह रहा है कि एक और नया बंदा ज्वाइन करने वाला है, पता नहीं भाई कौन ज्वाइन करने वाला है, यार पता नहीं गाइस कौन ज्वाइन करने वाला है। तो मैंने कह दिया कि देखो अपने साथ अभी मॉन्स्टर सिक्योरिटी भी काम करने वाली, ठीक है ना, अभी हम लोग और गाइस पावरफुल हो चुके हैं। सो गाइस अभी पता नहीं यार हमारा एक कौन नया मेंबर आने वाला है, ये कह रहा है कि देखो बढ़िया वाला मेंबर है, इतना पावरफुल मेंबर है तुम भी उसको जानते होंगे। भाई साहब पता नहीं कौन है भाई, पावरफुल बोल रहा है गाइस, पता नहीं यार ट्रेवर तो नहीं ना, ट्रेवर तो पहले से ज्वाइन है। एंड और कौन सा हो सकता है गाइस, एक सेकंड, अभी टॉम वर्सिटी तो है यहाँ पर, और पता नहीं गाइस मुझे नहीं पता और एक कौन बंदा है जो कि अपने टीम में आने वाला है। तो चलो यार अभी इससे भाई तू ही बोल दे भाई आने वाला है कि नहीं, वो कह रहा है कि कुछ देर वेट करो वो आते होगा। एंड एक सेकंड, ये तो फ्रैंकलिन है बे गाइस, फ्रैंकलिन भाई, फ्रैंकलिन को भी इसने इनविटेशन दे दिया भाई गैंग में ज्वाइन करने के लिए। और भाई आप मार्टिन कब से फ्रैंकलिन का दुश्मन हो गया भाई, ये कह रहा है कि देखो दुश्मन तो नहीं भाई, बस पैसा उसको ऑफर किया है। भाई ये तो वही पैसा है ना जो हमने कल डील करवाई थी, तो गाइस लगता है ना उसने कल इलीगल माल सब कुछ सेल कर गया ना भाई, ये वाला मेंशन और कार और इसको भी ऑफर कर दिया है। तो गाइस यहाँ पर ये कह रहा है कि ट्रेवर अभी तक आया नहीं है, तो चलो मैं ट्रेवर को कॉल कर लेता हूँ। यार ट्रेवर को भी इसने बुलाया था भाई, क्योंकि सबको मिलकर काम करना है और मार्टिन का गेम ख़त्म करना है। एक सेकंड, मार्टिन तो गाइस यहाँ पर ना ट्रेवर फ़ोन उठा नहीं रहा है गाइस, पता नहीं गाइस क्या सीन हो गया, इतना कॉल कर रहे हैं एंड ट्रेवर ना फ़ोन उठा ही नहीं रहा। सो ये कह रहा है कि यार देखो सारा का सारा प्लान हमको मिलके करना है, तो तुम जाओ फटाफट से ना ट्रेवर को देख के आओ, वरना ऐसा ना हो कि देखो जैसे तुम कल किडनैप हुए ना वैसे ट्रेवर भी किडनैप ना हो जाए। यार वैसे कल मैं खुद ट्रैप हो गया हूँ गाइस, मतलब जैसे मैंने ट्रेवर को वहाँ पर ड्रॉप किया ना, वैसे गाइस 2-3 मिनट में मेरे को ट्रैप कर दिया था। क्या पता गाइस ट्रेवर को भी किडनैप कर दिया क्या किसी ने, मतलब मुझे नहीं पता, अगर ऐसा हुआ है ना तो गाइस मुझे लगता नहीं गाइस ट्रेवर बहुत ख़तरनाक बंदा है, मैं नहीं जा मतलब ख़तरनाक पावरफुल बंदा है भाई, ऐसे थोड़ी ना भाई किडनैप कर देगा, मतलब मैंने इसको घर में छोड़ा था ना। सो यार चलो वैसे तो गाइस अभी जाके पता चलेगा गाइस क्या हुआ है, बट आज ना गाइस मार्टिन का गेम ख़त्म करना है भाई, कुछ भी हो जाए मार्टिन का गेम ओवर करना है गाइस, क्योंकि बहुत बढ़िया बढ़िया वाला प्लान इसने सोच के रखा है, और ये कह रहा है कि और भी बढ़िया बढ़िया प्लान्स इसके पास अवेलेबल है। सो गाइस मुझे नहीं पता अभी क्या होने वाला है आगे। यार फटाफट से फ्रैंकलिन चल यार, क्या टाइम पास कर रहा है यार ये फ्रैंकलिन, पता नहीं क्या बातचीत कर रहा था इससे, पता नहीं यार। फटाफट से गाड़ी भगा यार, इसने मोटर बाइक ला ली यार, कम से कम कार तो लाता है। चलो कोई बात नहीं यार गाइस, इसने ये ला लिया है कोई बात नहीं, चल फटाफट से आ जा मेरे पीछे। और भाई गाड़ी भगाते हैं और पहुँचते हैं अपने ड्राइवर के पास, क्योंकि ना ड्राइवर अपना ख़तरनाक वाला दोस्त बन चुका है, पहले अपना दुश्मन बन चुका था भाई, बट कोई बात नहीं अभी हमारे गैंग में आ चुका है, तो थोड़ा सा उसको भी हम लोग लेके जाएंगे। तो चलो अपने ट्रेवर के पास मिलते हैं। ऑल राइट गाइस, फाइनली हम लोग आ चुके हैं हमारे फ्रेंड ट्रेवर के पास, और यहाँ पर उसको लेके जाते हैं। पता नहीं यार कॉल नहीं उठा रहा है इसकी भैंस की, आ गई पता नहीं यार क्या हो गया इसको। एक सेकंड यार, इतने सारे डेड बॉडीज, और ये तो मार्टिन के गैंग के बंदे हैं ना यार, ये क्या यहाँ पर ये क्या कर रहे हैं, लग रहे हैं ना मैं एक सेकंड भाई जैसे मुझे कल किडनैप करने के लिए आए थे ना ये लोग, वैसे ये ट्रेवर को भी किडनैप करने के लिए आए थे। बट यहाँ पर ट्रेवर ने तो भाई सबको मारा है भाई, ये देख रहे हो। ओ भाई साहब यहाँ पे ना गंदी वाली फाइट हुई आई थिंक गाइस, पता नहीं गाइस इनका खून भी दिख नहीं रहा है, लग रहा है ना गाइस ये फाइट बहुत देर पहले हुई है, लग रहा है रात में ही हुई है, पता नहीं गाइस कब हुई है। यार गाइस ये तो
प्रॉब्लम हो गई, अगर ट्रेवर नहीं मिला ना तो हमारा सारा का सारा जो प्लान बनाया गैंग की लीडर ने यार वो कंप्लीट नहीं होगा गाइस। यार ये एक सेकंड, ये कार क्यों खड़ी है यहाँ पर, इसके पास तो कार भी नहीं है वैसे। यार लोल हो चुका है बिल्कुल ट्रेवर के साथ में। एंड एक सेकंड इसकी फैंस की, अब इसमें सेंसर बॉम्ब लगा था भाई, बच गया मैं भाई कसम से। एक सेकंड यहाँ पे इनको क्या हो गया भाई, मोस्टर सिक्योरिटी कह रहे हैं कुछ, यहाँ पे आवाज़ आ रही है किसी की, और इन्होंने सही कहा यहाँ पे बंदे छुपके बैठे भाई मार्टिन के। यार गाइस इसका ना भाई कुछ करना पड़ेगा भाई, जल्द से जल्द हमारा प्लान वैसे रेडी है इनका भाई, गेम ओवर करते हैं सालों का। जब तक गाइस रुक जाओ, साले ट्रेवर को किडनैप कर दिया, कोई बात नहीं कोई बात नहीं भाई, तुमको ना भाई दिखाने वाले अभी हमारे सारे के सारे पावरफुल लोग आ चुके हैं हमारे गैंग में वापस। कोई बात नहीं, अभी सारे के सारे मिलके ना भाई इनको मिलके हम लोग मारेंगे, कोई डरने वाली बात नहीं। अभी हमारे पास बढ़िया वाला प्लान है, सब कुछ इनका बिजनेस बिजनेस सब कुछ तबाह कर देंगे भाई, बिल्कुल ही सब कुछ डिस्ट्रॉय कर देंगे। आ जा भाई तू भी आ जा मेरा मार खाने के लिए, चल एक और आ जा, ऑल राइट तू भी आ जा, चल गया भाई तू भी गया, और जो भी आना है आ जाओ कोई बात नहीं, सबको पहल देंगे भाई बिल्कुल ही। ऑल राइट चलो यार गाइस देख रहे हो ये गजब है भाई, इनका गेम ओवर होने वाला है बिल्कुल, इनका टाइम आ चुका है गाइस, गेम खत्म है ठीक है। और कोई है क्या भाई, तू भी इधर के, एक सेकंड इसको तो मार दिया मेरे मॉन्स्टर सिक्योरिटी ने। ऑल राइट और कोई है क्या, और भी आ जाओ भाई, इसकी तो पहले मर गया पता नहीं कैसे मर गया। चलो यार यहाँ पे फटाफट से, यहाँ पे फ्रैंकलिन ने एक बंदे को पकड़ के रखा है, साले को पकड़ के रख भाई, इसको बताना है साले को गाइस, इसको ना ऐसे नहीं छोड़ेंगे भाई, ऐसे नहीं छोड़ेंगे इसको भाई, साले को भाई पहले बता उसको, बोल की लोकेशन बता वगैरह वगैरह, फिर उसको मारेंगे भाई, इसको ना ऐसे जाने नहीं देंगे भाई। देख तेरे को जिंदा रखा है भाई, कह रहा है कि जाने दो भाई, जाने के भाई तेरे को जाने तो देंगे नहीं हम लोग, जब तक तू बताएंगे नहीं भाई हमारा फ्रेंड ट्रेवर कहाँ पर है। और गाइस को पूछता हूँ साले को ना, देखते क्या कह रहा है। तो यार इसको भाई ऐसे नहीं बोलेगा भाई, इसको ना भाई इसको गन पॉइंट पर रखना पड़ेगा भाई, ये डर नहीं रहा फ्रैंकलिन से। एक सेकंड इसकी बेस किया, ऐसा कैसे मुँह नहीं खोलेगा भाई इतना, भाई इसको डराना पड़ेगा, ऐसे नहीं चलने वाला भाई फ्रैंकलिन। एक सेकंड इसको ना अपनी पावर दिखानी पड़ेगी, एक सेकंड रुक जा, इसको मैं गन निकालता हूँ। चल बेटा तुझे पता है ना माइकल कौन है, अब बता यार। अब इसने बोला है कि देखो यार अभी ना ट्रेवर जो है ना भाई, उसको ट्रेन में लेके जा रहे हैं पकड़ के, और उसमें एक ट्रेन के अंदर एक और कीमती चीज़ है जो कि बहुत रेयर है, जो कि मार्टिन ने मंगवाई है, तो वो सब जा रहे हैं YCT ट्रेन के अंदर, बहुत सारे लोग हैं। तो यार ठीक है, मैं बोला ठीक है तू भी चला जा, एंड बट इतनी जल्दी कैसे जाएगा भाई, मेरा मार खा के जाएगा ना। सो यार चलो इसका भी गेम ओवर कर दिया है, और गाइस यहाँ पे फटाक से ना इसका गेम ओवर करते हैं, साले को निकलते हैं। हमारे जो फ्रेंड है वो कह रहा है कि जो एक लिबर्टी सिटी से एक ट्रेन आई है लॉस सैंटोस टू YCT। सो गाइस मेरे को फटाक से ना अभी निकलना पड़ेगा, अभी वैसे टाइम बहुत कम हमारे पास। यार चल फ्रैंकलिन फटाफट से कार में बैठ जा, मतलब सॉरी तेरे बाइक में बैठ जा, और हमको इधर से निकलना पड़ेगा। चलो फटाफट से बैठो यार, फटाफट से बैठो वरना ट्रेन आगे ना चले जाए। वैसे ट्रेन पता नहीं गाइस पीछे होंगी, गाइस वो कह रहे कि अभी भी निकले, मतलब ट्रेन का वो वेट कर रहे थे कब से। सो यार कोई बात नहीं गाइस, ट्रेन का वो वेट कर रहे हैं, हमको ट्रेन से पहले ना आगे जाना पड़ेगा, और मेरे को कार के ऊपर बैठ कर ना गाइस जंप करनी पड़ेगी ट्रेन के अंदर, मतलब गाइस समझ रहे हो। यार फटाक से बैठ फ्रैंकलिन, जल्दी से बैठ जा यार, पता नहीं चलो यार हम लोग ना फटाफट से बैठने वाले हैं। और मुझे नहीं पता यार गाइस वो ट्रेन अगर YCT चले गए ना तो भाई बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, वो ड्राइवर को मार सकते हैं, क्योंकि डगन बॉस अभी फिलहाल ना YCT में, और गाइस आपको पता है वो सबका बदला ले रहा है ट्रेवर, आपको याद है ट्रेवर ने भी धोखा दिया था आई थिंक उसको, उसके बाइक क्रूजर को, तो इसलिए गाइस उसने उसको भी किडनैप कर दिया क्योंकि वो मेरे भी गैंग में था। सो ऑल राइट गाइस फाइनली हम लोग आ चुके हैं यहाँ पर, और इधर ना देख सकते हो मैं कार के ऊपर चढ़ चुका हूँ क्योंकि मेरे को जंप करनी है डायरेक्ट ट्रेन के ऊपर, और हमने ट्रेन पीछे देखी थी, थोड़ा सा हम लोग आगे आ गए थे, मैं बोला सही जगह पकड़ते हैं, मतलब यहाँ पे पूरा प्लेन एरिया है ना, वहाँ पर पुल वगैरह था, वहाँ पे गाड़ी चलना पॉसिबल ही नहीं है, तो मैं सोचा इधर आ जाओ पहले ट्रेन की, हमारी फॉर्चुनर ले गए, और फ्रैंकलिन चला रहा है भाई साहब खतरनाक गाड़ी भाई, देख के चलाना भाई, डायरेक्ट स्टंट वगैरह मारना है अपने को, मतलब समझ रहे हो गाइस, डायरेक्ट कार को लेके ना भाई अंदर लेके जाने का प्लान है हमारा। अगर हम सब लोग अंदर चले जाएंगे तो गाइस देखो ट्रेन आ चुकी है, अगर हम लोग, अरे भाई चलो यार फटाफट से ना भाई साहब यहाँ पे, एक सेकंड भाई, अरे भाई बहुत ज़्यादा ही बनते यार, ज़्यादा ही बनते यार, फ्रैंकलिन क्या कर रहा है, ज़्यादा ही बनते हैं फ्रैंकलिन, देख के चला वाड़ी भाई इसकी भैंस की, आ गई इस कसम से यार, फ्रैंकलिन क्या ही गाड़ी चला रहा है यार, फ्रैंकलिन तेरे को बोला है ना डायरेक्ट अंदर ले ले गाड़ी को, अंदर ले ले यार इस कसम से यार, ये मेरे को मरवाएगा आज भाई, पक्का मेरा वेस्ट नहीं होता भाई, आज मर जाता भाई, बहुत सही। और एक सेकंड यार, यार कार तो नीचे रह गई यार, मैं अकेला हो गया गई यार, मेरे साथ मोह में हो चुका है, हमारा प्लान था कि यार पूरी कार को ऊपर ले यार, कोई बात नहीं लेट्स को गाइस, अकेला ही काफ़ी, कोई बात नहीं, वैसे चलती ट्रेन है तो मेरे को लग नहीं रहा,
ये कुछ ज़्यादा कर पाएंगे मेरे लिए। यार हमारा प्लान था ना भाई पूरा का पूरा भाई फॉर्चुनर को ही लेके अंदर आ जाए यार, बट कोई बात नहीं, प्लान फेल हो गया बट जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। सो गाइस इनको इनकी औकात दिखा देंगे, साला मैं अकेला काफ़ी हूँ तुम्हारे लिए, मेरी सिक्योरिटी भी काफ़ी नहीं है भाई, मैं अकेला ही काफ़ी हूँ। गाइस लेट्स गो, इनकी बैंड बजाते हैं और इनका गेम यहाँ पे ओवर कर देते हैं। और यहाँ पे ना फटाफट से गाइस देखो भाई अपने बंदों को मारे जा रहे हैं ये लोग, अपनी डेथ बॉडीज को भाई मारे जा रहे हैं भाई। ये सारे के सारे पता नहीं इस ट्रेन में कीमती चीज़ें, और ड्राइवर भी है पता नहीं, ड्राइवर मेरे को नज़र नहीं आ रहा है। कोई ना हम लोग इनको दिखाएंगे फटाफट से, इनको दिखाने वाले। और एक सेकंड भाई बहुत सही बढ़िया वाले हेडशॉट लग रहे हैं इस कसम से, बढ़िया वाले हेडशॉट लग रहे हैं, बहुत बढ़िया भाई। मेरा प्लान था ना भाई फ्रैंकलिन वगैरह सब आ जाए यार इस वाले ट्रेन में, भाई मज़ा आता भाई। एक सेकंड, ये हेलीकॉप्टर किसका है, ये NSG का तो नहीं है ना? एक सेकंड, इसमें फ्रैंकलिन वगैरह तो नहीं आया ना भाई? पता नहीं, मेरे को नहीं पता इसमें। एक सेकंड, ये क्या हो रहा है, ये ब्लास्ट हुआ है कि क्या हुआ है? एक सेकंड, इसमें फ्रैंकलिन है या कौन है यार, मेरे को पता नहीं, मैं इसको मारूं या ना मारूं, मैं कंफ्यूज हूँ यार। मेरी NSG सिक्योरिटी तो नहीं है बट फ्रैंकलिन नज़र आ रहा है इसमें। एक सेकंड, इसकी फैस की आग गाइस, चलो 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 इसको ना मारता हूँ। और एक सेकंड यार, ये हेड पे हेड ही दिख नहीं रहा, इतना ब्लैक है ना साला। एक सेकंड, ये चलो इनको मारने का ट्राई कर रहा हूँ। एंड एक सेकंड, बहुत बढ़िया भाई, इसको भी मार देगा। एक सेकंड भाई, ट्रेन भी एक सेकंड, ये मिसाइल किस पे डाल रहा है भाई, भाई ये मिसाइल किस पे फेंक रहा है भाई? एक सेकंड, वेट वेट वेट, ये मेरा, ये इसमें फ्रैंकलिन तो नहीं नज़र आ रहा, ये मेरे पे अटैक कर रहा है भाई साहब, भाई मेरे को देख के रहना पड़ेगा। एक सेकंड, पता नहीं कैसे फ्रैंकलिन है, पता नहीं मेरे को भी पता नहीं गैस, ये तो मुझे ही मार रहा है भाई, ये क्या गैस भाई, हो गया भाई ख़त्म है भाई, ये मेरा नहीं है, ये मेरा नहीं है, ये तो मेरा नहीं है। चल भाई तू भी ले साला, वही बोलो पीछे क्यों मार रहा है भाई, भाई पता नहीं यार मुझे लगा फ्रैंकलिन वगैरह आया होगा बचाने के लिए, बट साला कोई भी रहता उसमें तो। एक सेकंड, इसमें तो और भी है, और ट्रेन भी चल रही है इतनी फास्ट है इसका समझे, पता नहीं काफ़ी आ गए भाई हम लोग। कोई ना गाइस, लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो। और यहाँ पे एक सेकंड, सब मर गए क्या? आई थिंक सारे के सारे मर गए, एक भी जिंदा, एक जिंदा है अभी, एक जिंदा है यार। कोई ना, अरे यार ये चलती ट्रेन में ना उठना भाई बहुत मुश्किल है, एक बार गिर गया ना यार देख लो भाई साहब, कोई बात नहीं, ये डब्बे वाली ट्रेन है ना भाई, ज़्यादा ही हिल रही है गाइस, इसलिए पर होनी चाहिए थी फिर मज़ा आता गाइस, फिर तो हम लोग भागन थोड़ी करते थे, बट चलो कोई बात नहीं, अब क्या ही बोले। और फटाफट से ना यहाँ पे गाइस ट्रेवर, अरे यार ट्रेवर को जिंदा लेके जा रहे थे कसम से भाई YCT, क्योंकि भाई डगन बॉस में सबसे मुजरा करवा रहा है भाई, पता नहीं मेरे से मुजरा करवा दिया, बट अब ये वाला ट्रैप ना उसके ऊपर काम दिया और मैंने फाइनली बचा लिया ट्रेवर को। यार ट्रेवर यार उठ जा यार, ठीक तो है ना भाई, सब कुछ बढ़िया ना? ड्राइवर कह रहा है कि यार सही टाइम पे आ गया, ये कह रहा है कि तू सही टाइम पे आ गया वरना ये लोग मेरे को नचवा देते हैं बढ़िया वाला। एंड भाई साहब बचा लिया तूने गाइस, चलो यार भाई फाइनली ना। और एक सेकंड, ये ट्रेन चला कौन रहा है भाई, लोको पायलट है ऑटो पायलट है, क्या सीन है इसमें, कौन बंदा है? एक सेकंड, अरे ट्रेन रुका दे बाबू, ट्रेन रुका दे चीचा, कौन है इसके अंदर, इसके अंदर है कौन भाई? एक सेकंड, इसके अंदर यार ये दरवाज़ा कहाँ से इसका, इसकी भैंस किया, अभी भी गाड़ी चलाया जा रहा है, अभी भी गाड़ी चलाया जा रहा है, अभी भी गाड़ी चलाया जा रहा है यार, ट्रेन रुकवा दे यार भाई, वरना भी हमको YCT ले जाएगा भाई, हमको YCT क्यों जाना है भाई, इसको रुक जाए एक सेकंड, यहाँ से गए होना चाहिए इसका, यहाँ से गए, ये देखो टकला नज़र आ रहा है इधर से मेरे, अरे यार कैसे रास्ता ही नहीं है, ट्रेन में बैठा कैसे फिर? एक सेकंड गाइस, इसके टकले पे बजाता हूँ एंड भाई ये ट्रेन रुक जाएगी, और एक सेकंड बस ट्रेन रुकने का इंतज़ार है भाई, ट्रेन रुक जाए यार गाइस, ट्रेन रुक गए ना फिर हम लोग उतरेंगे और सारा का सारा इधर काम करेंगे। यार अभी बहुत समय हो चुका है बट अभी भी ट्रेन रुकी नहीं है, क्या सीन है? अरे यार ये क्या सीन है भाई, यार एक काम करना पड़ेगा, लग रहा है ना ट्रेन अभी भी इंजन चालू है, तो मैं एक काम करता हूँ भाई RPG से इसको फोड़ने की ट्राई करता हूँ भाई, डब्बे गलत कर देंगे। यार ये क्या सीन है यार, कुछ बताए, मतलब ट्रेन का इंजन चालू है और दरवाज़ा भी इतना दूर है ना भाई, इसका दरवाज़ा इधर है ही नहीं भाई साहब। और भाई ड्राइवर कह रहे हैं कि देख इससे कुछ नहीं होने वाला है इसको, भाई देख इतने सारे रॉकेट डाल दिया, 5-6 रॉकेट डालने के बाद तो ट्रेन फूटेगी भाई, 10 रॉकेट डाल दूंगा टोटल भाई, फूटना तो तय है गाइस, ये देखो फूट गई। ड्राइवर कह रहा है कि देख भाई ड्राइवर, भाई ट्रेन को कौन फूटता है भाई, मैं फूटता हूँ माइकल दी सेंटा, मतलब क्या ही बोले, ट्रेन फूटती नहीं है भाई, फूट गई भाई। चलो यार गाइस गजब है गाइस, पूरी ट्रेन रोक दी फाइनली। और यार ड्राइवर कह रहा है कि इस बारे में ना एक और कीमती चीज़ है, जो कि बढ़िया वाली चीज़ है, बहुत बढ़िया वाली, एंड पता नहीं क्या चीज़ है, रोबोटिक टाइप है, मतलब कुत्ते की तरह है बट बहुत ज़्यादा ही रेयर है,
गाइस यार पता नहीं क्या सीन है यार गाइस, मेरे को ना वो बंदा भी कह रहा था कि ये जो चीज़ है बहुत ज़्यादा ही रेयर है, पता नहीं क्या सीन है गाइस, एक बार जाके देखते हैं। और भाई सारे के सारे लोग मर चुके हैं और अभी तक ना फ्रैंकलिन वगैरह आए नहीं यार, ये क्या सीन है यार, तुमको मैंने फॉर्चुनर दिए और तुम लोग अभी तक आए नहीं हो। कोई बात नहीं, चलो यार फटाफट से एक बार देखते हैं। भाई पीछे वाले डब्बे में रखा है क्या ये रेयर चीज़, थोड़ी ऐसे पीछे रखते हैं ये लोग। ये तो रोबोटिक्स डॉग है भाई, ये ना रोबोटिक डॉग है यार बिल्कुल ही गाइस। भाई आराम से हो ट्रेवर भाई, इतनी बड़ी कोई जंप कर दी तूने भाई सर पे और लग जाता ना यार इसमें ना। देख रहे हो इसमें तो रोबोटिक डॉग्स यार, इसको फटाफट से उतारते हैं एंड इसको ना हम लोग नीचे उतार के देखते हैं क्या सीन है यार, ये तो बढ़िया चीज़ मिल चुकी है एकदम। सो यार चलो फाइनली गाइस यहाँ पर ना हमारी कार को लेके आ चुका है फ्रैंकलिन और इस कार के ऊपर हम लोग इस केज को रख देंगे जिसमें ये डॉग है। भाई पता नहीं यार ये मार्टिन का डॉग है, वैसे बहुत ज़्यादा ही रेयर है गाइस, इसलिए ना गाइस इसको ना ट्रेन में लेके जा रहे थे। तो एक काम करते हैं हम लोग ना इसको ना हमको हमारे गाइस जो प्लेबॉय मेंशन है या कौन सा भी मेंशन पे इसको फटाफट से रख देंगे गाइस, ठीक है ना। एक काम करता हूँ इसको मैं इसके ऊपर रख देता हूँ, फिर कार के ऊपर ना इसको रख देंगे, फिर मस्त पे इसको हम लोग हमारे गाइस कौन से भी मेंशन पे ना रख देंगे गाइस, क्योंकि ना ये इसको हम लोग सेल भी कर सकते हैं। आप लोग बताना इसको सेल कर दें या क्या कर दे। वैसे तो हम लोग इसको ना गाइस वो कमांड तो दे नहीं पाएंगे क्योंकि सारा का सारा कंट्रोल ना भाई उसी के पास होगा। तो यार चलो कोई ना एक बार देखते, अगर ये अच्छी चीज़ रही ना तो इसको रख देंगे, वरना इसको फिर हम लोग सेल करके ना भाई ज़्यादा ही पैसा कमा सकते हैं। वैसे गाइस ये रोबोटिक्स डॉग है तो यार ऐसे कुछ काम का तो है नहीं, बट इसको एक बार देखेंगे चला के अगर चलता है तो। सो यार अभी चलो यार फटाफट से ना यार हमारी जो दो सिक्योरिटी गार्ड है वो बाद में आ जाएंगे। भाई देख रहे हो पूरी की पूरी ट्रेन रुकी हुई है भाई कसम से, भाई अगर दूसरी ट्रेन आ गई ना पीछे से भाई लोड हो जाएगा। सो यार चलो कोई बात नहीं भाई, मज़ा ही आ गया इसकी ना रेयर चीज़ चुरा के भाई, फुल मज़ा आ चुका है मतलब गाइस। एक सेकंड स्किप है इसकी, आगे ये लोग अभी भी यहाँ पे ही है क्या, इनको अभी तो मारा था यार, ये लोग फिर से आ गए गाइस, लग रहा है ना इनको ये चीज़ चाहिए भाई, ये चीज़ लेके जाएंगे लगता है। चलो कोई बात नहीं, अभी तो हम लोग सब आ चुके हैं भाई, ट्रेवर फ्रैंकलिन सब आ चुके हैं। अब इसकी ना इनकी बैंड बजेगी, पहले मैं अकेले इनकी बैंड बजाया, अब ना भाई सब लोग मिलके बजाएंगे। कोई बात नहीं साला, इनको भाई लग क्या रहा है इनको ना भाई, छपरियों को भाई समझ नहीं आ रहा है इनको कितना मारो भाई, इनको मार मार के ना भाई समझ नहीं आ रहा है। अभी गाइस जल्द से जल्द ना फिर मार्टी का गेम ओवर करना पड़ेगा। देख रहे हो भाई कितना पैसा इस बंदे के पास, कितने ज़्यादा सिक्योरिटी हायर कर रहा है भाई इसने। भाई कोई बात नहीं, अभी हम लोग चारों पाँचों मिल के भाई इनका गेम ओवर कर देंगे, क्योंकि भाई हम लोग गाइस एक सेकंड लग रहा है ना पीछे से कोई इनको मार रहा है गाइस, एक सेकंड मैं वही बोलूँ ये मर कैसे रहे थे जल्दी, भाई कौन आ गया इनको पीछे से ना कोई और भी मार रहा है। एक सेकंड अरे मार फ्रैंकलिन क्या कर रहा है पीछे मत देख भाई, एक सेकंड लग रहा है ना अपनी गैंग आ चुकी है, जो वाई सिटी से हमने लॉस सैंटोस लाई ना वो वाली गैंग इधर आ चुकी है, जो गैंग का लीडर है वो भी आया है क्या पता नहीं गाइस, गैंग का लीडर भी आ चुका है, वही बोलूँ इतनी जल्दी कैसे मर गए ये लोग। भाई साहब बहुत बढ़िया थर्ड पार्टी कर दी गाइस। ऑल राइट गाइस यहाँ पे गैंग के लीडर भी आए हुए हैं और टॉमी वर्सिटी भी आए हुए गाइस, क्या बात है। इनको पता चल गया कि यार ट्रेवर इधर था, हमने वैसे इनको बोल ही दिया था, बट चलो यार ये सही टाइम पे आ चुके हैं, पता नहीं गाइस ये ट्रेन गेंद चेक कर रही है सब कुछ। देख रहे हो टॉमी वर्सिटी भी आया हुआ है और ना भाई मजा ही आ चुका है, वही बोलो यार ये ना भाई इसमें क्या चीज़ है गाइस। तो भाई देखते हैं हम लोग गाइस जो भी इसकी जो रेयर चीज़ है ना रोबोटिक्स डॉग, इसको लेके जाते हैं अपने मेंशन पर और गाइस देखते हैं इसको क्या करना है और एक्टिव होता है कि नहीं। तो यार भाई मज़ा आ चुका है मतलब गाइस, सब लोग मिलके काम करेंगे ना तो यार गाइस हमारा दुश्मन का भाई गेम जल्दी ख़त्म हो जाएगा। तो ऐसे ही गाइस ये कह रहा है कि देखो अभी शाम में मिलते हैं, शाम में एक छोटा सा काम करना है अपने टीम के लिए। तो यार ठीक है चल कोई बात नहीं, वो कह रहा है कि शाम में आ जाओ भाई, ख़तरनाक वाला प्लान है आज का बहुत ज़्यादा ही, आज ही मार्टिन का गेम ओवर करना है कैसे भी करके। तो यार चलो ठीक है गाइस कोई बात नहीं, ये कह रहा है कि रात में आ जाना तो इसको रात में मिल जाएंगे। और यार यहाँ पे और कोई तो नज़र नहीं आ रहा है, पूरी की पूरी ट्रेन यार गाइस तहस नहस हो चुकी है। सो यार ठीक है यार, तो मैं हम लोग निकलते हैं, चलो इसकी गैंग वगैरह ना भाई खतरनाक है भाई साहब। कोई बात नहीं फटाफट से ट्रेवर और फ्रैंकलिन जल्दी से बैठ जाओ मेरे कार के अंदर, जल्दी से बैठो और फटाफट से ना हम लोग निकलते हैं अपने मेंशन पर। और गाइस फटाफट से इसका देखते हैं, हमारे पास हैकर तो है वैसे, तो देखते हैं इसको एक्टिव करने के लिए। वैसे रोबोट यार हिल तो नहीं रहा बिल्कुल, देख रहे हो मतलब एक जगह ही रोबोट की तरह ना भाई होता है स्टैंड है। सो चलो कोई बात नहीं यार, अभी ना फटाफट से गाइस हमको हमारे मेंशन की ओर निकलते हैं और गाइस पता चलेगा ये क्या काम की चीज़ है या कोई रेयर चीज़ है पता नहीं गाइस। तो फटाफट से ना निकलते हैं यहाँ से और पहुँचते हैं। ऑल राइट गाइस फाइनली हम लोग आ चुके थे यहाँ पर, और गाइस ये बंदा ना मतलब ये रोबोटिक डॉग्स है यहाँ पर गाइस, हमारे हैकर ने कहा कि देखो ये जो है ना ये रोबोटिक्स है मतलब ये रोबोट है गाइस, यहाँ पर ये बहुत बड़े बड़े काम करता है, इसमें फायर भी होता है एंड इसमें हर चीज़ है गाइस। तो यार ये तो सही कहा,
और ये जो इसने नहीं कहा, ये हमारी हैकर गर्ल है ना, उसकी एक फ्रेंड है, इसने कहा उसे, वो खतरनाक बड़ी वाली हैकर है गाइस, ठीक है ना। वो कह रही कि देखो ये जो चीज़ है ना भाई बहुत ख़तरनाक हो सकती है, और ये कह रहे कि जो आपका AI सिक्योरिटी है ना उसका भी हम लोग काम कर देंगे, मतलब ये जो भी काम है ना इसका भाई हम आराम से कर देंगे एक दिन के अंदर भाई, तुम तो इसमें ना सब कुछ कर सकते हो, मतलब अपने कंट्रोल में आ जाएगा भाई, क्योंकि आपको पता है मेरे फ़ोन का जो कंट्रोल है सब इसमें फिट था, बट मेरा फ़ोन ना मार्टिन के पास है क्योंकि उसी ने मुझे कल ट्रैप किया था, तो कोई बात नहीं। इसमें सारा का सारा हमने पावर गिवर कैंसिल कर दिया और जो भी कमांड वगैरह थे ना भाई सब कैंसिल वगैरह कर दिए। सो ये कह रही कि तुम टेंशन मत लो, आज रात तक हम लोग, कल आपको क्या, आज रात तक काम हो जाएगा। सो यार चलो यार सही है गाइस, ये वाली हैकर भी ख़तरनाक लग रही है मेरे को। सो गाइस अब ना भाई फटाफट से इसको पैसे भी देंगे गाइस हम लोग, अगर काम होता है तो मैं इसको बोल दिया, देख ये वाला कार जो, ये जो रोबोटिक डॉग है ना इसको अभी कुछ कर ले, अगर हो सकता है तो इसका भी कुछ कमांड वगैरह ना भाई कर दे, हम लोग इसको भी फिर मतलब दे सकते हैं कमांड वगैरह कुछ। तो ये कह रही कि ठीक है हम लोग इसका तो आराम से कर लेंगे, कुछ छोटी मोटी चीज़ है। सो यार चलो यार बढ़िया चीज़ है गाइस, मतलब एकदम बढ़िया। सो गाइस सब कुछ बढ़िया मस्त काम चल रहा है अपना गाइस, अपना फटाफट से गाइस इनको गाइस देखते गाइस, और यहाँ पर ना क्या सीन है और पता नहीं कैसे, ये बोल रही कि देखो कुछ हमको, मैं पैसा लूँगी, मतलब पैसा लगेगा भाई इसको, ये तो पता है यार पैसा तो लगने वाला है, पैसा तो हर हैकर को लगता है। तो गाइस मैं बोल रहा हूँ ठीक है यार चलो दे देंगे कोई बात नहीं, जितना पैसा लगेगा उतना दे देंगे। और ये कह रही कि देखो जैसे काम होगा ना वैसे पैसा लगेगा, अरे यार हाँ भाई वही तो सुन रहे हैं गाइस, पता है यार पैसा लगेगा भाई, फ्रैंकलिन देख लो सर पे हाथ लगा रहा है, कह रहा है कि यार ये क्या भाई पैसा इतनी जल्दी, भाई कोई बात नहीं दे देंगे यार पैसा, इसमें क्या सीन है गाइस, पैसा तो हर सबको देते हैं ना, ऐसे थोड़ी ना, वरना भाई इसको हम इसके स्कैम कर दिया ना भाई साहब, वरना गाइस समझ रहे हो भाई अपने सारी चीज़ें हैक कर लेंगी, तो यार इसको पैसा देना ही पड़ेगा। ये कह रहे कि देखो तुम खतरनाक वाले माफिया तो हो, सो कोई बात नहीं रात में मिलते आप लोग को गाइस। ऑल राइट गाइस फाइनली रात हो चुकी है, एंड भाई साहब अभी ना हमको रात में हमारे गैंग लीडर ने बुलाया था, बोला था कि रात में आ जाओ कुछ काम करना है छोटा मोटा, हमारे जो प्लान के मतलब प्लान के हिसाब से कुछ काम करना था ना। और एक सेकंड ये मुझे कह रही कि देखो सारा काम हो चुका है और तुम्हारा जो रोबोटिक डॉग है ना वो भी हो चुका है सही से हमारे, उसको तुम कमांड दे सकते हो, और जो अपना AI सिक्योरिटी है वो कल तक हो जाएगा। सो गाइस कोई बात नहीं, सो अपना AI जो सिक्योरिटी है वो कल रात तक ठीक हो जाएगा, और इसको मैं कमांड देता हूँ, इसको बोलते गाइस चल के दिखा एंड देखते चल के दिखाता है कि नहीं। ऑल राइट गाइस तो चल के दिखा रहा है, और इसमें ना बहुत बढ़िया बढ़िया चीज़ भी है, फंक्शंस भी है। सो गाइस ये तो बढ़िया चीज़ हो चुकी है, मतलब एकदम बढ़िया, बट इसके लिए खाने के लिए रखा है, बट ये तो रोबोटिक डॉग है, अपने जो नॉर्मल डॉग है ना वो ही खाएंगे, तो यार इसके लिए नहीं रखे। एंड इसके मुंह में ना भाई गन है गाइस, इसने कहा कि इसके मुंह में गन है एंड ये ना मुंह से फायर करता है। भाई साहब ये तो गाइस कमाल की चीज़ है ना, मतलब मुंह से फायर करेगा भाई, और ये भी परेशान हो गया भाई, ये कह रहा है कि ये कौन सा डॉग ला लिया भाई इधर ये अपना जो हस्की है ना भाई, ये भी बंदा गाइस मतलब वो हो चुका है। सो यार कोई बात नहीं भाई साहब, बढ़िया वाला डॉग है गाइस, अभी इसको हम लोग देखेंगे कमांड वगैरह देखेंगे भाई, खुफिया काम करने के लिए बढ़िया है, मतलब किसी को मारना वगैरह रहना तो भाई सही है गाइस। तो यार क्या बोलते हो गाइस, हम लोग इस वाले हैकर गर्ल को अपने टीम में ले लेके, आप लोग बताना चैट पे, अगर आप बोलते हो तो ले लेंगे, अगर नहीं बोलते हो तो उसको एक पेमेंट करके ना इसको यहाँ से निकाल देंगे, क्योंकि अपना काम हो जाएगा। सो यार चलो अपने हम लोग कार में बैठते हैं, और जो अपना काम है ना भाई, जो गैंग लीडर का जो प्लान है, जो हिस्सा है कुछ छोटा मोटा काम रह गया है अभी, वो काम करना है, पता नहीं गाइस क्या मिशन दिया है, वो कह रहा है कि कुछ इंपॉर्टेंट काम है जिसको हम ना अपने जो प्लान है मार्टिन को मारने का उसको हम लोग करेंगे। सो गाइस फटाफट से इधर से निकलना पड़ेगा, और पता नहीं यार कोई सोपा ही काम हो, मतलब रात में पता नहीं क्यों बोला है गाइस, दिन में बोलता तो अच्छी बात है बट रात में बोला है तो पता नहीं यार कुछ ऐसा वैसा काम ना हो भाई, बस बढ़िया काम हो। सो चलो हम लोग हमारी ना सिक्योरिटी को लेके जाएंगे, क्योंकि आपको पता है गाइस अपने पे इतना ज़्यादा डेंजर है ना भाई, क्या ही बोलूँ गाइस, इतना डेंजर हो गया ना भाई, कोई कुछ भी हो सकता है। सो कोई बात नहीं, अभी हमारी यहाँ पर NSG को लेके मैं जा रहा हूँ, चलो यार तुम मेरे पीछे पीछे आ जाओ, एंड फटाफट से ना भाई सब निकलते हैं, और गाइस अपने गाइस जो क्या कहते हैं उसको, अपना जो गैंग का लीडर है ना उसके गैंग बेस में जाते हैं और देखते हैं वो क्या कह रहे हैं। ऑल राइट गाइस फाइनली हम लोग आ चुके हैं हमारे गैंग लीडर के बेस पर, और देखते गाइस उसने मुझे क्या काम दिया है, पता नहीं गाइस क्या काम देने वाला है, एंड कह रहा है कि बहुत इंपॉर्टेंट काम है गाइस, फटाफट से ना हमको इधर आना ही पड़ा, इतने रातों रात इसने मुझे काम दे रहा है, पता नहीं गाइस रातों रात क्या काम होगा गाइस, कुछ ना बढ़िया वाला ही काम होगा, बट चलो यार इसे मुझे ही काम दिया है, टॉमी को नहीं दिया है क्योंकि लॉस सैंटोस में ज़्यादा मैं ही काम करता हूँ,
तो टॉमी वर्सिटी काम नहीं करता है। सो यार चलो यार गाइस इससे पूछते भाई क्या सीन है एंड इसने इसको क्या पता नहीं इस बंदे को क्यों गाइस किडनैप कर रखा है। सो यार गाइस ये कह रहा है कि देखो ये जो बंदा है ना ये बंदा मतलब गद्दारी कर रहा था अपने टीम से तो इसको ना मारना है। यार ये काम से बुलाया क्या भाई मुझे बस मारने के लिए बुलाया क्या? ये कह रहा है कि नहीं यार आगे का काम तेरे को बता देंगे पहले बस तू इसको मार दे भाई। यार मारते इसमें क्या गाइस इतनी छोटी बात है इसको मार देंगे भाई साला गद्दारी करेंगे तो भाई गोली तो खाएगा ना भाई। तो चलो यार इसको तो मैंने मार दिया एंड इससे काम पूछते हैं क्या सीन है एंड इसको ना भाई फटाफट से ख़त्म कर दो पता नहीं गाइस ये क्या चेहरा है। सो गाइस से पूछते हैं गाइस सो गाइस ये मेरे को कह रहा है कि देखो भाई तुम्हें एक काम करना है तुमको देखो मेरी जो गोल्डन कार दिख रही है ना ये जो वाली गोल्डन कार लेके जाओ मतलब चलाने के लिए ऐसे ही और डॉक में जाओ और डॉक में ना वहाँ पे कुछ उनका सामान आया हुआ है जिसमें हाईटेक वेपन्स रखे हैं मतलब जो अपना प्लान है ना मार्टिन को मारने के लिए तो अपने सारे गैंग मेंबर्स को हम लोग हाईटेक वेपन्स देंगे जिससे ना हम लोग आसानी से सबको मार सकेंगे तो ये इसका प्लान है। सो ये कह रहा है कि तुम मेरी एक वाली गोल्डन वाली कार यूज़ कर सकते हो आराम से गाइस। सो यार कोई बात नहीं गाइस इसने मेरे को मिशन दिया ये कह रहा है कि अब तुम्हारे ऊपर है क्योंकि वहाँ पे ना हर बारी चेकिंग होती है पिछली बारी मैं वहाँ पर गया था गाइस हमारा कुछ और इलीगल सामान लेने के लिए आपने देखा है कितनी सारी पुलिस वहाँ पे अवेलेबल थी बट अभी हमको इसने ये वाला मिशन दिया कह रहा है कि कैसे भी करके तुम लाओ जो भी हाईटेक वेपन्स है अपने गैंग बेस पर क्योंकि वो हाईटेक वेपन्स अपने को यूज़ करना है मार्टिन के सिक्योरिटी को मारने के लिए जो कि ज़्यादा ही हमको हेल्पफुल होंगी क्योंकि हमारे जो गैंग के लीडर के बंदों के पास ना इतने खास गन नहीं है जो कि भाई मार्टिन के बंदों को ना मार सके और बड़ी वाली गैंग फाइट में हम लोग उसको यूज़ कर सके। सो गाइस चलो यार हमारी जो एनएसजी सिक्योरिटी है ना भाई उनको मैं बोलता हूँ पहले आगे आता भाई तू पहले आगे चल क्योंकि भाई मैं नहीं चाहता कि कोई हम पे ट्रैप करे फिर से और मैं वहाँ पे फंस जाऊँ तो इसलिए गाइस चलो इनको मैंने बोल दिया इधर रुक जाओ। और ये कह रहा है कि देखो हमारा ना काफिला भी आने वाला है पीछे हमारे गैंग का। सो गाइस चलो हमारा गैंग का काफिला देख लेते हैं भाई देखते गाइस कितने लोग आ रहे हैं भाई सब कितने आने वाले सारे के सारे आ रहे हैं क्या भाई साहब एक भाई साहब दो आ रहे हैं गाइस अरे आराम से भाई ठोक दिया गया इस वाले को। सो चलो यार गाइस सारा का सारा ना काफिला आने वाला है गाइस हमारा इधर देख रहे हो। चल भाई एनएसजी वाले तू आगे चला था गाड़ी क्योंकि आगे होना चाहिए देखो एक दो तीन भाई ज़्यादा ही है भाई साहब भाई चार पांच गाड़ी ना पीछे है गाइस मतलब खतरनाक वाली गैंग लीडर वाली फीलिंग आ रही है बट कोई ना ये वाले गैंग को अपन गाइस अपने कब्जे में कर लेंगे वैसे तो कोई बात नहीं। चलो और भी कार्स आ रहे हैं पीछे से क्योंकि देखो ये जो अपनी गैंग है ना भाई मैं इसलिए काम कर रहा हूँ क्योंकि अपने को मार्टिन को मारना है और डगन बॉस को गेम ख़त्म करना है क्योंकि दोनों मिलके काम करेंगे ना तो भाई सबको पहल देंगे। सो गाइस चलो यार हमारा काफिला लेके ना आपको मिलते हैं हमारे जो डॉग है ना वहाँ से हाईटेक भी पहुँच लेंगे और देखते हैं क्या सीन है। ऑल राइट गाइस फाइनली हम लोग आ चुके हैं डॉग के पास बट डॉग के पास हमेशा चेकिंग होती है मतलब ट्रैफिक पुलिस वाले होते हैं मतलब जो भी माल जाता है ना भाई हर चीज़ चेक होती है। तो वैसे तो मैं प्रेसिडेंट का फ्रेंड हूँ तो यार ये लोग मेरे को जानते होंगे क्योंकि मैं प्रेसिडेंट मतलब लॉस सैंटोस में कितना फेमस हूँ भाई इतने बड़े बड़े काम किया हो ना। तो यार चलो ऑफिस इधर आ चुके हैं भाई ऑफिसर को बोलता भाई गेट खोलो फटाफट से मेरे को जाने दो। ये कह रहे हैं कि भाई देखो तुम ऐसे जा नहीं सकते भाई ये डॉग है भाई क्योंकि पहले यहाँ पे ना भाई कल खतरनाक वाला हादसा हुआ भाई इनको पता नहीं कल के हादसे में मैं था क्योंकि मैंने ना मास्क पहना था। तो ये कह रहा है कि देखो अब कोई भी इधर से जा नहीं सकता है अगर तुमको जाना है तो परमिशन ले सकते हो बड़े वाले ऑफिसर से जो हमारा बड़ा ऑफिसर है ना। यार गाइस ये क्या सीन है चलो कोई बात नहीं यार मेरे को जाने नहीं दे रहे भाई प्रेसिडेंट का फ्रेंड हूँ भाई मैंने खुद प्रेसिडेंट की जान बचाई है और जो सोमाली पायरेट्स है ना भाई इतना बड़ा ऑपरेशन मैंने आर्मी के साथ किया है और लॉस सैंटोस को भाई मतलब आज़ाद किया है मतलब बोल सकते हो भाई दुश्मनों से। सो चलो यार बड़े वाले ऑफिसर से बात करते हैं और देखते हैं क्या सीन है। पीछे देख भाई क्या कर रहा है यार इसको मैं बोल दिया होगा इस यहाँ पर ना हमको क्या सीन है बट ये कह रहा है कि देख भाई तू इधर से जा सकता है बट आते वक्त जो भी तो माल ला रहा है ना वो चेकिंग होगा क्योंकि भाई मुझे नहीं पता मैं किस पे भरोसा कर नहीं सकता अगर मैं ऐसा करूँगा तो मेरी नौकरी जाएगी। सो यार उसका भी सही है बट चलो हम लोग आगे जाके कुछ दिमाग लगाएंगे। वैसे मुझे फ़ाइट तो नहीं करनी है भाई अभी फ़ाइट करने का बिल्कुल भी मूड नहीं क्योंकि हमको अभी पहले मार्टिन को ख़त्म करना है अभी पंगा उंगा लेंगे नहीं भाई क्योंकि यहाँ पर सिक्योरिटी ना बहुत टाइट है गाइस समझ रहे इतनी टाइट सिक्योरिटी है ना भाई पंगा लेने का मूड नहीं है।
सो चलो यार अभी ना फटाफट से गेट खोल भाई जल्दी से। ये कह रहा है कि आते वक्त चेकिंग करेंगे तुम्हारी, अभी तो चले जाओ। वैसे भाई अपने भरोसा क्या, वरना जाने देता नहीं सारा। चलो यार अभी सारा का सारा अपना काफिला लेके ना आपको इधर ही गाइस, इधर ही अपना गाइस आने वाला लग रहा है। इधर ही कहीं ना अपना होना चाहिए, जो कि हाईटेक वेपन्स आए ना भाई साहब, बड़े वाले खतरनाक वाले, जो कि अपन अपने बड़े वाले प्लान में यूज़ करने वाले। सोए एक सेकंड गाइस, इधर ही कहीं होना चाहिए। इधर ही कहीं शिप होती है जहाँ पे ना उसको अनलोड किया होगा उस सामान को। एक सेकंड भाई साहब, इधर ही कहीं होना चाहिए भाई साहब। मेरे को इधर तो नज़र नहीं आ रहा है कुछ। चलो आई थिंक इधर ही कहीं होना चाहिए। चलो अपने गए सारे के सारे गैंग के जो बंदे ना वो भी आ रहे हैं पीछे। बट चलो यहाँ पे एक शिप नज़र आ रही, लगता है ना अभी भी आई है। सो लग रहा है इसी में से सारा माल अपना अनलोड हुआ होगा। सो एक बार ना फटाफट से चेक कर लेते हैं गाइस। एक सेकंड, यहाँ पे कुछ लोग नज़र आ रही है तो अपने गैंग के बंदे दिख रहे हैं। चलो यार ठीक है गाइस, इतना बड़ा बक्से में भाई, यहाँ पर देख रहे हो इतने बड़े बक्से में ना भाई सारे के सारे हाईटेक वेपन्स है भाई। पता नहीं कहाँ से ला रहे हैं भाई ये, अपने तो चोरी करके लाया था आर्मी से। सो ये कह रहे हैं कि देखो यार इतना बड़ा हाईटेक वेपन इनको लेके कैसे जाएंगे। यार ये तो सही बात कही है, इनको लेके जाएंगे कैसे गाइस? पुलिस वाले जो खड़े डॉक पे, मतलब क्या ही बोले, अभी इतना सारा माल है भाई, इसमें तो चेकिंग तो होना ही है। एंड इसमें तो भाई सारे के सारे हाईटेक वाले गन्स हैं, मिसाइल आरपीजी गन है। यार एक काम करते ना, इनके भाई इतना भी दिमाग नहीं है, अपन इनको ऊपर हवा से लेके जाएंगे ना उठा कर गाइस। यार ये तो मतलब रोड से लेके जाएंगे तो भाई मतलब पुलिस तो पकड़ने वाली है। तो एक काम करते हैं, मैं लेस्टर को कॉल करता हूँ। ऑल राइट गाइस, मैंने लेस्टर को बात कर दिए एंड उसके मैंने बोला है कि यार देख तेरे पास ना भाई कार्गो वाला हेलीकॉप्टर है, जो कि यार मतलब मैग्नेटिक पावर से ना कोई भी मेटल को वो कर लेता है। तो गाइस देखो वो आ चुका है फाइनली, और उसको मैंने बोल दिया गाइस यहाँ पे फटाफट से ना गाइस देख सकते, मतलब ये इतना पावरफुल कार्गो हेलीकॉप्टर है ना, मतलब ये मेटल को मतलब मैग्नेटिक पावर से वो कर लेता है। और गाइस जो भी है ना, चलो यार गाइस यहाँ पर आ चुका है ये लेस्टर का बंदा आ चुका है, और इसको बोलता हूँ कि देख इस वाले हेलीकॉप्टर पर मैं चलाऊंगा। और इसको फटाफट से ना गाइस, क्योंकि मैंने पहले भी गाइस हमने चोरी में इसको यूज़ किया था। सो चल भाई ठीक है भाई, बहुत बहुत शुक्रिया भाई तेरा। और फटाफट से ना इस वाले मैं हेलीकॉप्टर में बैठ जाता हूँ, और इसका मैग्नेटिक पावर देखते हैं कितना ये हाईटेक वेपन को उठा पाएगा कि नहीं। या टॉम यूनिवर्सिटी तो भी बैठ जा फटाफट से, क्योंकि अपने को डायरेक्ट गैंग मतलब गैंग बेस में जाना है ना, वरना वैसे कुछ तो होने वाला नहीं है भाई। इतना भी दिमाग नहीं है भाई गैंग वालों के, वैसे भी इनके पास कहाँ से आएगा भाई, इतना महंगा आता है ना ये इतना महंगा आता है ना गाइस, क्या ही बोले थे, ये सबके पास होता नहीं है भाई, ये सिर्फ लेस्टर के पास है, मेरे पास खुद नहीं है। क्योंकि वो इतना बड़ा मतलब चोर है ना भाई, आपको पता है लेस्टर कितना बड़ा मास्टरमाइंड वाला बंदा है। चलो फटाफट से इधर इसको ना फटाफट से मैग्नेटिक फील्ड से इसको अटैच कर लेते। ऑल राइट गाइस, फाइनली ये बैठ चुका है, देख रहे हो। अब ना भाई कोई टेंशन नहीं भाई, अब कोई पुलिस वगैरह कोई टेंशन नहीं भाई। पिछली बारी भी हम लोग यही वाला प्लान करना चाहिए था, बट मेरे को इतना आइडिया नहीं आया। सो इस बारी भाई बढ़िया वाला आइडिया आ गया। सो चलो यार अभी ना भाई कोई पुलिस देख रहे हो, नीचे पुलिस होंगी, बट उनको क्या पता भाई क्या सीन है क्या नहीं, क्या चेक थोड़ी करेंगे। तो फटाफट से निकलते हैं हमारे गैंग के बेस पे। ऑल राइट गाइस, फाइनली हम लोग आ चुके हैं हमारे गैंग बेस पे, और यहाँ पे ना हमारे जो हाईटेक वेपन्स का जो कंटेनर है उसको यहाँ पे लोड कर लेते हैं, और देखते हैं इसमें कौन कौन से गन है भाई साहब। सारे हाईटेक वेपन्स ये वैसे तो हमने देखा ही है, हमने जब आर्मी वालों से चोरी किया था ना आर्मी वाले से, तो वही वाले हाईटेक वेपन्स होंगे, जो भी लेज़र वाले एंड मिनी गन, रेल गन, बहुत सारे गन होते हैं। और चलो यार इसको फटाफट से ना सेफ लैंडिंग करवा देते भाई, और ये वाला हेलीकॉप्टर ना भाई खतरनाक है भाई, इसको लैंडिंग करवाना मतलब इतनी छोटी जगह पे भाई बच्चों वाली बात लग रही है। अरे एक सेकंड भाई, भाई गलत लैंडिंग हो रही है, इतनी छोटी जगह है ना गाइस कसम से। चलो फाइनली इतना ट्राई करने के बाद फाइनली मैंने लैंड करवा ही दिया है। और गाइस यहाँ पर देखते गाइस भाई कितना बड़ा कंटेनर था भाई ये, इसमें इतने सारे हाईटेक वेपन्स है ना भाई साहब, सोच ही नहीं होंगे किसी ने गाइस कसम से। गाइस मज़ा आ चुका है अभी सारे के सारे ना, अब आएगा हमको मार्टिन को मारने मज़ा। सारे के सारे हाईटेक वेपन्स हमारे पास आ चुके हैं, अब देखना है बस उसका प्लान क्या है, गैंग लीडर का प्लान क्या है। और चलो भाई अभी सारे के सारे ना मज़ा आने वाला है, बहुत बढ़िया ही गाइस। चलो यार ये भी आ चुका है कार में, भाई तू लेके चले जा, तेरा काम हो चुका है भाई, थैंक यू बोल देना लेस्टर को। और भाई लेस्टर पैसा ना मांगे तो अच्छा है। सो चलो यार गाइस बस पैसा ना मांग ले लेस्टर भाई, इतना बड़ा है ना देख रहे हो भाई, कितना बड़ा जैंट हेलीकॉप्टर है देख रहे हो गाइस।
भाई मेरा कंटेनर मत ले जाना भाई, बस हेलीकॉप्टर ले जाना भाई। चलो यार भाई, वरना कंटेनर लेके ना चले जाए। चलो यार, वरना भाई मोए हो जाएगा हमारा। भाई चला गया वो बॉस से, अपना काम तो हो गया गाइस। चलो भाई लेस्टर भाई देख रहे हो, फुल मंगवा दिया भाई, इतने जल्दी बंदा भेज दिया अपने वाले बेस पे। और गाइस चलो यार, बढ़िया वाला काम हो चुका है। अभी लीडर से मिलते हैं। लीडर कहाँ चला गया? एक सेकंड यार, लीडर इतने फास्ट फास्ट भागे क्यों आ रहा है? और गाइस ये कह रहा है कि भाई प्रॉब्लम हो चुकी है भाई। मार्टिन ने इसको मैसेज किया और ये कह रहा है कि भाई भाई रेडी हो जा, अभी तेरे बेस पे ना भाई अटैक होने वाला है। मतलब गाइस यार ये क्या कह रहा है भाई? यार गाइस उसको सारी इन्फॉर्मेशन दे कौन रहा है? गाइस प्रॉब्लम हो चुकी है बहुत बड़ी वाली। ये कह रहा है कि देख आज रात तेरे में भाई पूरा का पूरा गेम ख़त्म है, तू और तेरा जितना भी गैंग के बंदे ना सब खत्म होने वाले। गाइस अभी मुझे ना सारी की सारी मेरी सिक्योरिटी यहाँ पे कॉल करके बुलानी पड़ेगी, बहुत बड़ी वाली प्रॉब्लम हो चुकी है। ऑल राइट गाइस, फाइनली ना मैंने कॉल किया था और यहाँ पे मेरी सारी सिक्योरिटी को मैंने बुला दिया। निंजा और हमारी एनएलजी और मॉन्स्टर तो है ही, और यहाँ पर ना हमने सबको बुला लिया। देख रहे हो ट्रेवर भी आ चुका है और रेड निंजा भी आ चुका है गाइस। और किसी भी टाइम ना यहाँ पर फाइट होने वाली है, क्योंकि जो मार्टिन है ना भाई, ये बंदा हमारे से भी बहुत ज़्यादा ही तेज़ निकला। मतलब ये बंदा कितना बड़ा वाला मास्टर माइंड है ना, आप देख ही रहे हो। और यहाँ पे हमने जितने भी गाइस लाए थे ना हाईटेक वीपॉन्स भाई, सबको दे दिए। और मैंने भी कुछ रख लिए बड़े बड़े वाले वीपॉन्स, ठीक है ना। यहाँ पे देख रहे हो हमारे पास तो कुछ बंदों के पास पहले ही से थे, और ये देख रहे हो जो लीडर है ना उसके पास भाई खतरनाक वाली हाईटेक वाली वीपॉन्स है गाइस। अभी कुछ भी हो सकता है, किसी भी समय कुछ भी हो सकता है, क्योंकि पता नहीं ये बंदा कैसे अटैक करने वाला है। आई डोंट नो भाई गाइस, कैसे अटैक करेगा, एयर डिफेंस करेगा या गाइस ग्राउंड अटैक होगा, पता नहीं गाइस। क्योंकि उसको मैसेज आया कि देखो भाई तूने जो भी किया ना भाई, अब तेरे को भुगतना पड़ेगा। सो गाइस अभी ना हम लोग सब रेडी है, वैसे भाग तो नहीं सकते, भागेंगे तो गाइस हम लोग भाई वो कहलाएंगे। सो यार देखते हैं गाइस कब तक वो अब अटैक करते हैं हम लोग को ना भाई, सतर्क रहना पड़ेगा। और एक सेकंड इसकी बेस की आग यहाँ पर भाई लग रहा है ना, इसने हमको एयर स्ट्राइक से अटैक कर रहा है, मतलब हवा में अटैक कर रहा है, देख रहे हो भाई। भाई इसकी बेस की आग देखो, देखो भाई यहाँ पर ना मेरे को फटाफट से गाइस यहाँ पर आरपीजी निकालना पड़ेगा, जो मैंने इनका वाला आरपीजी लिया ना जो हाईटेक वीपॉन्स में से। देखो भाई ये ऐसा है ना, डायरेक्ट जाके मिसाइल की। देखो 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 अब इसको दिखाता हूँ भाई, सब सब इसको मार रहे हैं, देख रहे हो भाई पहला ही मिसाइल हो गया भाई, क्या सीन है भाई। चलो कोई ना भाई, देख रहे एक और आया साला, क्यों मिले। एक सेकंड अब गया भाई, अब तो गया भाई, ख़त्म है भाई, बिल्कुल ही ख़त्म है गाइस सब ना भाई। ये बंदा भाई डायरेक्ट सारे हेलीकॉप्टर भेज दिए भाई इसने, भाई इतना पैसा है इसके पास, देख रहे हो अंधाधुंध पैसा भाई, सारे हेलीकॉप्टर से ना अटैक करवा रहा है। और यहाँ पे लग रहा है ग्राउंड अटैक भी हो चुका है। चलो कोई बात नहीं, यहाँ पर ना गाइस भाई साहब बहुत गंदी वाली फाइट लग रही है मेरे को ये। चलो कोई बात नहीं, हमारे पास ना सारे के सारे इतने बड़े गाइस, ख़तरनाक वाला ना भाई अवेंजर एंड वाला गेम हो चुका है। मतलब सारे के सारे हमारी सिक्योरिटी आ चुकी है भाई, या मैंने इधर बुलाई है। और यहाँ पे इसकी निंजा वाली मतलब जो गैंग की लीडर ना वो भी है भाई, मारो सबको मार दो भाई। भाई सार एक सेकंड वहाँ पर टैंक भी आ चुका है भाई, ये टैंक को कैसे फोड़ूंगा भाई, ये टैंक तो फूटने वाला नहीं। और भाई मेरे पे फायर ना करते बस, इसकी भैंस की आग मेरे पे एम कर रहा है वो भाई, कितने वाले मिसाइल छोड़ रहा ना भाई सब। और भाई बचाओ भाई, कसम से भाई मेरे पीछे आके बम फूटा भाई। चलो कोई बात नहीं, यहाँ पर गंदी वाली फाइट शुरू हो चुकी है। और ये देखो यहाँ पर एक और भाई यहाँ पर आ चुका है, मैंने आपको बोला था यार फुल एयर स्ट्राइक और भाई फुल पैसा है इसके पास भाई, इतने सारे टैंक अभी तक फटा ही नहीं, देख रहे हो भाई अब जाके फटा है फाइनली यार, टैंक फट चुका है। और एक सेकंड इसके पीछे एक और बंदा है भाई, कार लेके घुस चुका है बिल्कुल ही। कोई बात नहीं गाइस भाई, हमारे पास ना हमारे पास भी सब कुछ, हम लोग रेडी थे सारा का सारा ना भाई, सब कुछ रेडी था भाई, हमारे पास ड्रेस वगैरह सब कुछ थी। और ये देखो भाई पीछे से भी आ चुका है, कोई बात नहीं इनको ना भाई आरपीजी से नहीं मारेंगे, गोली का मैं। और ये तो अपने गैंग के बंदे भाई, पीछे से देख भाई, पीछे देख भाई, पीछे से मार रहा है वो। और चल भाई तू भी ले भाई, देख रहे हो मर ही रहा है, चल गया गया भाई, सबको मार देंगे भाई, टेंशन ना वालो भाई, टेंशन ना लो। और हमारे पास देखो लेज़र वाली गन भी है, ये तो अपने बंदे हैं, लो मैं तो अपने बंदों को मार रहा हूँ। और ये देखो टैंक आते ही जा रहे हैं भाई, भाई ये टैंक का क्या सीन है भाई। चलो ये वाला टैंक तो मैंने खुद फोड़ा है, और ये वाला टैंक भाई बचा है भी। और ये देखो भाई गाड़ी लेके आ गए भाई, भाई साहब चलो भाई, गंदा वाला भाई गाड़ी को ब्लास्ट कर दिया बिल्कुल ही गाइस, गंदा वाला भाई। कोई बात नहीं, और भी है क्या भाई, ये लोग सबको मार दे रहे, मेरे को दिख भी नहीं रहा गाइस ये ना। और ये देखो एक और वाला टैंक है भाई, ये देख रहे हो भाई मेरे पे फायर ना कर दे, ओ भाई फायर किया, कोई बात नहीं। ये ना भाई कितने मिसाइल छूटने के बाद मर रहा है ना, टोटल 5 या 6 मिसाइल छूटने के बाद मर रहा है।
और ये नीचे भी कुछ लोग हैं ग्राउंड अटैक कर रहे हैं, छपरी लोग, कोई ना इनको भी दिखा देंगे। और भी कोई है क्या भाई? और भी कोई? आ जाओ भाई, कोई नहीं। चलो, और मेरे को लग रहा है सब खत्म हो चुका है। एक सेकंड और आ गया भाई हेलीकॉप्टर से, भाई मेरे को मार रहा है भाई ये यार। एक सेकंड, मेरे को ना फटाफट से आर पीछे निकालना पड़ेगा, मैं बार बार गन चेंज कर रहा हूँ ना। चल भाई तू भी ले, फाइट का जब है भाई, क्या ही ऐसा बॉम्ब है रात के टाइम पे पता। ये देखो भाई डायरेक्ट कार नहीं घुस चुका है। ओ भाई टॉमी तू ठीक तो है ना? चलो टॉमी कुछ नहीं हुआ भाई, टॉमी के पास भी अटैक वेपन आ चुका है बिल्कुल ही। और एक सेकंड यहाँ पे ना, ये देखो भाई बिल्कुल ना ये खतरनाक वाला अटैक कर रहे हैं हमारे पे। कोई बात नहीं गाइस, कोई बात नहीं, हमारे पास भी हाईटेक वेपन आ चुके हैं, वरना हमारे पास हाईटेक वेपन ना होते ना भाई हम लोग अभी तक जीतता नहीं पाते गाइस। देख रहे हो कितने पावरफुल है भाई, इनको हाईटेक वेपन से मारने की बात भी फूट नहीं रहे। तो आप सोचो अगर हमारे पास हाईटेक वेपन ना होते ना तो हम लोग बच ही नहीं सकते। ये देखो भाई इनके पास कितना पैसा है भाई, ये देखो भाई खतरनाक वाले ना मिसाइल, मतलब ये देखो कितने सारे हेलीकॉप्टर इन्होंने हम पे छोड़ दिए थे। और मेरे पास ना ये वाला आरपीजी था ही नहीं, आपने देखा ही होगा मेरे पास भाई सादा वाला आरपीजी था, बट ये वाला ना भाई कंट्रोल वाला है, मतलब ऑटोमेटिक जाता है इसके पीछे। और ये छपरी लोग क्यों आ रहे हैं भाई फालतू में यहाँ पर टाइम वेस्ट करने के लिए? भाई यहाँ फुल गर्दी कर रहे हैं। और कोई है क्या भाई यहाँ पर ना? एक सेकंड ये जा कर रहा है, मैं अपने बंदे को मार रहा हूँ, सॉरी। और एक सेकंड ये देखो कोई है क्या इधर? और ये कौन है भाई? ये देखो कितना पावरफुल है भाई, ये मर ही नहीं रहा। देखो भाई साहब फुल वेस्ट वगैरह पेन क्या है, देखो कितना बड़ा वेस्ट है इसके पास, भाई मर ही नहीं रहा ये तो। और वे भाई 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 मर ही नहीं रहा भाई, फुल वेस्ट पेन क्या है भाई साहब, इसके पास भी अटैक में कौन था भाई साहब गजब है यार। गाइस यहाँ पर रेड लिया तो ठीक है ना, ये देखो और आ चुके हैं भाई साहब, स्पीड है इसकी यार। चल भाई तू भी ले ले भाई, कितने लोग हैं भाई ये, कहाँ से आ रहे इतने सारे? गाइस खतरनाक वाला अटैक किया है इसने, मतलब इसको फुल कॉन्फिडेंस था कि वो जीतने वाला है, मतलब इतना कॉन्फिडेंस था उसने बोला ना कि भाई हम तुमको आज मार के रहेंगे। तो ये समझ जाओ इसने ना नए कमांडो खरीदे, मैंने आपको पहले बोला था ये बंदे ने नए कमांडो खरीदे, जैसे हमारे लीडर ने बोला था। ये देखो भाई कितनी पावरफुल सिक्योरिटी भाई, देख रहे हो फुल गाइस मिसाइल वगैरह, मतलब हेलीकॉप्टर एंड भाई बहुत कुछ, टैंक वगैरह सब कुछ भाई। कोई बात नहीं गाइस, बट हमारे पास भी हाईटेक वेपन आ चुका है जो कि भाई सही समय पर हमने लाए गाइस। ये देखो भाई फूट ही नहीं रहे देखो गजब है। कोई बात नहीं यहाँ पर टॉमी भी मार रहा है लेजर वाली गन से, और रेड टिंजा भी है, और बहुत कुछ है, हमारे के भी है हमारे साथ में, और हमारे गाइस देख लो फुल वॉर चल रहा है गाइस यहाँ पर। बस यार ख़त्म हो जाए यार, देखो आते ही जा रहा है, स्पीड है इसकी यार गाइस, कितना आएंगे यार? अभी तो मेरे को लग रहा ख़त्म हो चुकी है। देखो भाई ये देखो अटैक पे अटैक किया जा रहा है। कोई बात नहीं, हमारे पास की है भाई हाईटेक वेपन। और कोई है क्या? आ जाओ बस, अब आ जाओ भाई, तुम्हारी बैंड बजेगी भाई। और कोई है क्या? इसकी यार ये देखो ये छपरी लोग को इसलिए मैं मार रहा हूँ क्योंकि ना मेरे को उड़ा के जा रहे हैं बार बार। कोई बात नहीं तू भी ले ले, चल तू भी ले भाई। ये रेजर गन भी काम नहीं आ रही है इन पर भाई, कितनी कौन सी गन है भाई? भाई फुल शील्ड वाली गई इन्होंने ना पहन के आई है। कोई बात नहीं, ये देखो भाई क्या ही नजर है ना भाई, रात के टाइम देख रहे हो वैसे, रात के टाइम जो चमकता है ना भाई गजब है वैसे। एक सेकंड यहाँ पे ना वैसे और भी कोई आ जाए, मेरे को लग रहा है इधर और भी कोई है। ये देखो यहाँ पे कार रुका के बैठा था ये। कोई ना भाई सबको मारेंगे भाई, अपने पास सबको मारेंगे भाई यहाँ पर गाइस। ये देखो भाई ये सादे लोग भी आ रहे हैं इधर से यार, मेरे को ठोक ठोक के जा रहे हैं, इनको इधर दिख नहीं रहा है, यहाँ पर फाइट चल रही है, फिर भी यहाँ से आना है इनको। और चलो कोई बात नहीं, और भी कोई है क्या इधर? ये देखो एक और आया भाई हेलीकॉप्टर, इसको भी नीचे हवा में भाई, देख रहे हो भाई गजब है, नीचे गिरा देंगे इसको भाई, नीचे गिरा दिया इसको। चलो भाई हमारे पास सारे के सारे ना भाई गजब है भाई, ऑल राइट। एक सेकंड इसको ना आर पीछे नीचे गिराना पड़ेगा। ये देखो भाई क्या ही फायरिंग कर रहा है हेलीकॉप्टर बैठ के, भाई कितने हेलीकॉप्टर भेज रहा है भाई ये, भाई बस कर दे भाई 10-12 तो हमने नीचे गिरा दी तुम्हारे हेलीकॉप्टर्स। चलो कोई बात नहीं, आई थिंक और कोई ना आ जाए बस, और भी है क्या भाई साहब? इसकी भैंस की यार कितने हेलीकॉप्टर है भाई, भाई जेट भी आ गए इसके तो भाई, बस जेट देख रहे हो ऊपर से जेट भी गया था आई थिंक, मैंने देखा है, बस जेट से अटैक ना हो जाए यार, जेट से अटैक होगा ना इतने स्पीड में जाता है जेट कसम से। कोई ना भाई यहाँ पे ग्राउंड अटैक चल रहा है, हमारे सारे गैंग के जो भी सिक्योरिटी के बंदे वो हैंडल कर रहे हैं, बस मैं बड़े बड़े चीज़ों को मार रहा हूँ जो भी बड़े बड़े आते हैं हेलीकॉप्टर, जिनको ये छपरी लोग को तो मेरे सिक्योरिटी मार देंगे जो भी ग्राउंड अटैक कर रहे हैं ना। ये देखो भाई साहब कोई बात नहीं, ये देखो ये तो मेरे ही बंदे हैं, सॉरी मेरे ही है। एंड ये देखो भाई कार लेके घर के अंदर घुस रहा है भाई, टाउन वर्सिटी मार जल्दी से मार दे भाई इनको, भाई पहले मार दिया इनको। चलो गजब है,
और कोई ना आ जाए। बस एक सेकंड यार, कितनी गंदी वाली फाइट हो रही है कसम से यार। इतनी लंबी फाइट तो जिंदगी में मैंने नहीं की यार, मतलब इतना गंदा अटैक गाइस। बट चलो यार, अभी सब लोग थे हम लोग इसलिए बच गए। मतलब मॉन्स्टर एनर्जी और निंजा प्लस गैंग के बंदे इतने सारे हैं ना। बट यहाँ पर अगर AI सिक्योरिटी आती ना गाइस, तो यार कुछ बात ही अलग होती। तो आप लोग चैटे बताना, आप लोग AI सिक्योरिटी को मिस कर रहे हो कि नहीं? अगर यहाँ पर AI सिक्योरिटी होती ना गाइस, तो यार यहाँ पर गंदा वाला फाइट होता और देखने का मज़ा कुछ और ही होता। बट चलो कोई बात नहीं, AI सिक्योरिटी अभी फिलहाल हमारी डीएक्टिवेट है क्योंकि हैक की वजह से। ओके 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 भाई, कौन है भाई घर में घुस के मार रहा है क्या कोई? यहाँ पे कोई नज़र तो नहीं आ रहा है। चलो ये सादे लोग यहाँ पे आ रहे हैं ना, मेरा दिमाग ख़राब कर रहा है, इनको भी मार ही देता हूँ भाई। आ रहे बार बार, इनको पता है फाइट चल रही है, बट फिर भी बीच में आना है। एक सेकंड भाई, इसकी भैंस क्या, ये बंदे देख रहे हो अंदर घुस कैसे रहे ये। बट इनको पहले मार दे रही, देखो ये और एक हेलीकॉप्टर आ चुका है। कोई ना मेरे पास RPG तो है भाई। कितना बचोगे भाई? मरोगे भाई मेरे हाथों से भाई, मरना तो तय तुम लोग का। चलो यार गजब है, सब खत्म है। एक सेकंड, इसको बराबर यहाँ पर। ऑल राइट, गया भाई, बिल्कुल ही ना भाई, गेम ही खत्म है। और भाई जंगल में पूरी आग लग चुकी है, और ये देख रहे हो बिल्कुल ना भाई, पैराशूट से आ रहे हैं इनके बंदे। भाई मैंने बोला था भाई ये बंदे बहुत खतरनाक वाले, तो देख रहे हो पैराशूट से आया भाई साहब। और भाई क्या ही सीन है भाई, जंगल में आग लग चुकी है बिल्कुल ही। कोई बात नहीं भाई, इतनी गंदी वाली फाइट है ना, तो आग लगनी तय है, कोई बात नहीं। एंड यहाँ पर सब कुछ आग लग चुकी है भाई, अभी भी मर नहीं रहा भाई। RPG छोड़ रहा हूँ फिर भी नहीं मर रहा है, कोई बात नहीं। ख़त्म हो गए क्या भाई? अभी भी आ रहे हैं भाई, कितना पैसा लगाया इस बच्चे ने भाई, इतने मार दिए। अब बस कर भाई, हमारे भी इतने लोग मर चुके हैं भाई, लग रहा है पूरा आज ही मार के दम लेगा क्या हम लोग को भाई? लग रहा है ना आज ही हम लोग का भाई गेम ओवर करने वाला ही है। बट कोई बात नहीं भाई, हम भी गाइस कम नहीं है भाई। इसको पता नहीं माइकल क्या चीज़ है अभी, उसको लगा हमारे पास हाईटेक वाले भी फोन नहीं है भाई, अटैक कर देगा, छोटा गैंग बेस है। बट उसको क्या पता, मैंने भी सब कुछ अरेंज करके रखा है, सारी की सारी सिक्योरिटी। कोई बात नहीं, सबके पास हाईटेक भी फोन है, अभी डरने वाली बात ही नहीं है बिल्कुल। कोई बात नहीं, हमारे कुछ लोग मरे गैंग के, बट कोई बात नहीं, इतना तो चलता है गैंग वॉर में, इतना चलता है कैसे, इतना वॉर में ना भाई सब कुछ चलता है। और एक सेकंड भाई, ये देखो और एक आया भाई, कोई गाड़ी लेके। ये देखो मैंने बोला था भाई, बहुत बजट है इनका। देखो भाई सब मर रहे, बट कोई ना, निंजा सिक्योरिटी बहुत सही काम कर रही है हमारी। और ये देखो भाई, ये सस्ती वाली कार में भी आ चुका है बिल्कुल ही हमको मारने के लिए। कोई बात नहीं, और भी आ जाए भाई, सबको मार देंगे यार। और आ जाओ भाई, अगर दम है ना और आ जाओ। ये देखो भाई टैंक लेके आ गया, मैंने बोला था भाई। कोई बात नहीं, इनको भी फेल देंगे। और रेड निंजा भाई इसकी भैंस क्या, कोई नहीं है ये। चलो तो भाई फूट ही नहीं रहा, चलो गया, गजब है। और कोई आ जाओ बस, मेरे को लग नहीं रहा आप कोई आएगा। इसकी भैंस की आगे देखो, आ कैसे रहा है तू भाई, इधर इतनी फाइट चल रही है, इधर कोई इधर से ही जाना है। इतने रास्ते गए मतलब लॉस एंडस भाई, एक ही रास्ता दिख रहा है उसको भाई, क्या बंदे यार। गाइस ये देखो, अभी सब के सब खत्म है। और यहाँ पे ना गाइस, ये फालतू के इनको मैं उड़ा देता हूँ, ये फालतू के इधर टाइम पास कर रहे आकर, मतलब इतना लेट आ रहे, एक तो आग लग के बुझ भी गई, अब इतना लेट आके क्या फ़ायदा भाई। तो इससे पहले मैं इन्हीं को उड़ा दिया। और एक सेकंड और भी आएगा कोई, और एक सेकंड। ये देखो भाई, इसको इधर से जाना, इतना रास्ता दिख नहीं रहा। इसकी भैंस किया कि हमारे गैंग लीडर को भाई नीचे गिरा दिया इसने। और ये देखो एक और आ गया भाई, छपरी की तरह, मतलब आग बुझ चुकी है बिल्कुल ही। और ये को कब आ रहा है भाई इधर, क्या मेरे को पानी पिलाने आया क्या? चलो कोई बात नहीं गाइस, एक सेकंड और कोई आया क्या भाई? सब कुछ चेक करना पड़ेगा, वरना ऐसा ना हो गाइस हम लोग सब लोग खड़े हो जाए और आपसे कोई मिसाइल छोड़ दे भाई। अलर्ट रहना पड़ेगा पूरी रात गाइस, हमें अलर्ट रहना पड़ेगा भाई, देखते रहो भाई कोई आ ना जाए बस। गाइस एक खतरनाक वाली फाइट हुई, अगर आपको ये वाली फाइट पसंद आई तो गाइस चैट में लिख दो, वार ओपी लिख दो, तो मुझे समझेगा आप मेरी वीडियो यहाँ तक देख रहे हो। तो यार वीडियो को लाइक ज़रूर करना एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। सो यार चलो एक बार देखते गाइस और कौन कौन भाई, हमारे बहुत ज़्यादा ही लोग मरे यार भाई, पूरे के पूरे गाइस कार फट चुके हैं यार, इतने ज़्यादा इसके महंगे वाले कार थे ना भाई। गोल्डन वाली कार कहाँ गई इसकी भाई? गोल्डन वाली कार तो वैसे गाइस पता नहीं यार गाइस कहाँ गई, दिख नहीं रही। और मेरी फॉर्चुनर भी गई है कसम से यार। एक सेकंड, इधर भी कोई मेरे को नज़र आ रही, इधर कोई आवाज़ आ रही है। एक सेकंड गाइस, यहाँ पर ना मैं एक बार देख लेता हूँ। एक सेकंड, यहाँ पे आवाज़ तो आ रही है। ये देखो भाई, ये बंदा कार के अंदर लॉक था भाई, ये बंदा बाहर निकलने नहीं आ रहा है। थिंक इसको भाई ये कार लॉक होती है,
एंड इसका ओनर ही मर चुका था आई थिंक। चलो यार इसकी भैंस की आगे इसको मार दिया है भाई, कार लॉक थी आई थिंक, कोई बात नहीं, पता नहीं क्या सीन था बट बाहर निकल नहीं रहा था वो। आई थिंक सब ना भाई मर चुके यार, टॉमवर सिटी यार खतरनाक वाला काम किया है। बस यार कोई आना जाए अब बस, ठीक है ना, अब भाई और वाली गंदी वाली फाइट ना हो। अब हमें लगा इस बढ़िया सा वाला प्लान तो हमारा रेडी है, उसका सारे बनकर पे हम लोग अटैक करेंगे और उसके सारे बॉडीगार्ड्स को मारेंगे। एक सेकंड भाई और आ गए क्या भाई, हमारे गैंग के बंदे मर गए क्या इधर के यार, ये अंदर कैसे आ गए? अरे यार गाइस ये क्या चल रहा है भाई, इनको मारा क्यों नहीं तुमने भाई, लग रहा है सारे गैंग के बंदे मर चुके हमारे भाई। भाई ये देख रहे हो अंदर तक आ रहे गाइस बिल्कुल ही ना भाई, ये फिर से आ चुके यार, मैं बोला था तुम लोग को यार रेडी रहना भाई, अलर्ट रहना, तुम भी मेरे पीछे आ चुके हैं। ये देखो भाई फिर बोलना सारे के सारे कार लेके आ चुके हैं, कोई बात नहीं कोई बात नहीं गाइस, इसकी भैंस की आगे इसको भी दिखा देंगे, कोई ना कोई ना कोई ना कोई ना। अरे यार मेरे को घर पे लेके जाएगा यार, तू घर पे लेके चला जाए एक काम कर भाई, मेरे को आगे ठोक रहे यार, मेरे को ही ठोक रहे बस भाई, दूसरे लोग को दिख नहीं रहा है, मेरे को टेस्ट ठोक रहे, कोई बात नहीं। चलो चलो भाई ये किसको मार रहा है, एक सेकंड भाई ये देखो अंदर घुस के मार रहा है भाई, एक सेकंड आर पी जी निकालता हूँ, रुक से रे भैंस यार, अंदर घर में घुस के मारेंगे हमको भाई। चलो कोई बात नहीं, और एक सेकंड और कोई है भाई, सबको मार दो भाई, सबको मार दो भाई, ऐसा मारो ना यार इसकी भैंस की आग भाई, कितने बार ठोक दिया मेरे कसम से आप लोग, चैट बताना भाई, पांच छह बार तो भाई ऐसे ही ठोक रहे हैं मेरे को ये लोग, पता नहीं है किस्मत टटती है भाई मेरे को ठोक रहे बार बार। और भाई देखते और कोई है क्या भाई, मेरा बस हेलीकॉप्टर जिंदा है, मतलब ये मेरा नहीं है, गैंग इधर का है, और भी कोई आ रहा है क्या, और कोई ना आ जाए बस। चलो सब कुछ आई थिंक ख़त्म है, बस बस खत्म लग रहे मेरे। ओ भाई ये क्या है भाई, यहाँ पर एयर जेट कब से आ गया भाई, सब बच गए भाई कसम से भाई, निशाना गलत लगा उसका भाई, यहाँ पर देख के रहना, यहाँ पर एयर जेट भी घूम रहे हैं भाई साहब भाई, ये इसकी भैंस के इतने नज़दीक आ गए, तुम मार क्यों नहीं रहे यार, ये लोग थक चुके हैं बिल्कुल ही थक चुके भाई, देख के भाई एयर स्ट्राइक हो रही है भाई, एयर स्ट्राइक हो रही है बिल्कुल ही, देख के रहना जेट वगैरह इधर, बट कोई ना गाइस अभी यार हमको इधर गाइस प्रॉब्लम हो सकती है बहुत बड़ी वाली, तो हमको जल्द से जल्द ये वाला गाइस बेस छोड़ना पड़ेगा और इधर से निकलना पड़ेगा गाइस, क्योंकि ना यहाँ पे गाइस ज़्यादा ही प्रॉब्लम हो जाएगी। ये तो उसकी फैंस की आग आज ही इस वाले आज ही ना ये वाला मेंशन करी था हमारे गैंग के लीडर ने वाई सी टी से आके लॉस एंटोस में, बट यहाँ पर गाइस पहले दिन ना उसका गाइस लोड हो चुका है। ये देखो मैंने बोला था गाइस यहाँ पर अटैक हो रहा है स्ट्राइक का, बस हमारे पे ना गिरे यार गाइस, कोई बात नहीं। और एक सेकंड यहाँ पे और भी लोग आ रहे हैं कि नहीं भैया अपने ही हैं, चलो बहुत से यार अपने ही लोग हैं ये तो। और इसके लिए देखो भाई ये पैराशूट से ना ऊपर आ गए, इधर नीचे आ चुके, कोई बात नहीं इनका भी गेम ओवर कर देंगे बिल्कुल ही गाइस, इनका भी गेम ओवर है। रेड नहीं यहाँ पर अपना गाइस गैंग लीडर भाई, ठीक है बिल्कुल ही भाई, गंदी वाली फाइट चल रही है इधर पर भाई, ये देखो यहाँ पर भी फाइट चल रही है, ये देखो ओ भाई ये देखो भाई, मैंने अब बोला था भाई आ ही रहे, अभी भी आ ही रहे भाई ये छपरी लोग भाई, यार कितना ठोकोगे यार, मेरे को ठोक रहा है यार, ये क्या सीन है भाई, इन लोग का ये एफ आई बी वाले मतलब फायर ब्रिगेड वाले, कोई नहीं देखो आते जा रहे हैं भाई, यहाँ पर क्या कोई बस स्टेशन थोड़ी, यहाँ पर आके रुक रहे हैं बार बार। चलो भाई इसका भी गेम ओवर है बिल्कुल ही ना भाई, गेम ओवर हो चुका है भाई, सबका ही गेम ओवर हो चुका है, गजब भाई सबका ही गेम ओवर है, अब मेरे को लग नहीं रहा कोई बचा होगा जिंदा, ये पता है भाई तेरे को ठोकने से पहले मारती साले, रुक और कोई है क्या भाई, चलो जल्दी 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 से मारो यार, अभी गेम ख़त्म कर रहे हैं। ये देखो भाई कितना बीच में आके मार रहा है भाई, कितना पावरफुल है भाई, देख रहे फुल वेस्ट भी स्पेंक की आई थी यार, इसने सही बोला था, इसने नई वाली सिक्योरिटी खरीदी है गाइस मार्टिन ने और डगन ने भाई, खतरनाक वाली सिक्योरिटी गाइस, यहाँ पे देख लो भाई फुल पैसा लगाया इसने, और ये इसकी जो पुरानी वाली सिक्योरिटी थी ना भाई, उसको मार मार के भाई वो बोर हो गया भाई, चल भाई सारा का सारा मैंने अब फोड़ दिया भाई, अब कैसे भी करके ना गाइस ज़्यादा ही गंदी वाली फाइट होगी, अभी मैं भागने वाला तो नहीं हूँ भाई, भागेंगे ये देखो भाई ऊपर से आ ही रहे, देख रहे हो ये देख रहे हो भाई, फ्री फायर खेल रहा है क्या भाई, पबजी खेल रहा है क्या भाई, देख रहे हो बिल्कुल स्टाइल में आ रहा है, पैराशूट लगा के भाई जैसे सबको मार देगा, कोई बात नहीं सबको तो मैं फेल दिया है। और रेड निंजा ये गाइस ये देखो भाई सब कुछ यहाँ पे फाइट चल रही है बढ़िया वाली, सब मर चुके आए थे मेरे को लग रहा है सब क्लियर है। चलो यार गाइस भाई इतनी गंदी वाली फाइट हुई ना यार, एक सेकंड सबको मैंने टक्कर मार दी उसके लिए सॉरी, बट गाइस क्या ही करें, इतनी वाली गैंग वॉर में ना कुछ समझ नहीं आ रहा है किधर जाना है,
और ये देखो भाई यहाँ पे 10वीं बार मैं ठुक चुका हूँ, और इधर गाइस मेरे टंगड़ियाँ भी बिल्कुल ही गाइस काम करने के लायक तो बचे नहीं है भाई। बहुत सही, सब सही है ना भाई यहाँ पे गाइस, सब सही लग रहा है मेरे को, कोई भी किसी को चोट नहीं आई है गाइस। फुल वॉर हो चुका है आज, मतलब जल्दी से जल्दी ये वाला हमको गाइस बेस से गाइस निकलना पड़ेगा। चूँकि देखो अभी हमारा प्लान था आज का, डायरेक्ट हम उसके ना जितने भी बन कर हैं उसकी प्रॉपर्टी बिजनेस सब कुछ तबाह करनी थी, बट गाइस उससे पहले ही ना उसने हमारी गाइस प्रॉपर्टी पर डैमेज कर दिया और उसने गाइस नई वाली सिक्योरिटी भी खरीद ली। तो गाइस ये ना बहुत गंदा वाली बात है, बट हमको ना अभी आगे जाके उसके बनकर और उसके हर एक चीज़ उसकी बिजनेस पे अटैक करना है और उसको ना भाई रोड पे लाके उसको नचवाना है। सो गाइस अगर आप ये चाहते हो तो वीडियो को लाइक करो और कमेंट में लिख देना भाई वॉर ओपी, और गाइस सब कुछ ओपी लिख देना, और सब्सक्राइब करना चैनल को अगर आप ऐसे खतरनाक वाले फाइट देखना चाहते हो, तो सब्सक्राइब करो लाइक करो। और गाइस अभी ना फटाफट से अभी सुबह होने का वेट करते हैं और देखते गाइस यहाँ पे और भी फाइट होती है। अभी तो हम लोग जाने वाले तो है नहीं क्योंकि अभी हमारे पास कुछ भी नहीं है, पैदल तो जाने जा नहीं सकते, तो अभी आज की रात हमें यहाँ पे निकालनी पड़ेगी क्योंकि भाई सारी कार डिस्ट्रॉय हो चुकी है, हेलीकॉप्टर बचा है जो कि 4 सीटर है भाई, अभी हमारे इतने सारे लोग हैं तो भाई सब लोग बैठ तो नहीं सकते इसके ऊपर। सो यार चलो यार अभी ना सुबह होने का वेट करना पड़ेगा और फिर देखते हैं गाइस क्या सीन है, और गाइस यहाँ से निकल जाएंगे। और तब तक के लिए गाइस सभी को गाइस बाय बाय, और मिलते हैं आपको एक और नए एपिसोड में, और तभी के लिए बाय बाय।